हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है लियो लियो एक पैन इंडिया फिल्म है वैसे फिल्म को तमिल लैंग्वेज में बनाया हुआ है दूसरी सभी लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज किया जाएगा तो ये सभी वर्जन है वो कहाँ पे कैसे ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर एक प्रोडिक्शन एनालिसिस किया जाएगा कहानी के ऊपर भी एक प्रोडिक्शन और एनालिसिस किया जाएगा जो भी कंटेंट आउट हुआ है उसका एक रिव्यू दिया जाएगा उसके ऊपर से कहानी का एक लगाया जाएगा इसके अलावा ये फिल्म क्या लोकेस कन यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है कनेक्टेड है तो किस तरह से कैसे क्या देखने को मिलेगी चीजें उसके ऊपर बातचीत की जाएगी साथ ही में फिल्म से जुड़े जो सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो बातें वो शेयर की जाएगी फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी मिलने वाली है तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो वीडियो शुरू करते हैं लियो जो 2023 की एक पेन इंडिया फिल्म है जिसको तमिल लैंग्वेज में मेनली बनाया गया है वहीं पे इस फिल्म का जोनर है एक्शन थ्रिलर तमिल के साथ साथ तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो गोलमाइंस के पास है उनके द्वारा इस फिल्म को डब करवा के साथ ही में थिएटर में रिलीज करवाया जाने वाला है जहाँ पे इस फिल्म को पहले टेंटेटिव टाइटल थलपति सिक्सटी दिया हुआ था इस फिल्म को का कर रहे लोकेश कनक जो स्टोरी है वो भी उनकी है उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है लोकेश कनक रत्ना आरव थेराज वैद्य ने मिलकर किया हुआ है स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन लोकेश कनगराज का, का देखने को मिलेगा रोक् लोकेश कनगराज ने इससे पहले इस लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में दो फिल्में बनाई हुई है एक तो है केदी जिसको 25 अक्टूबर 2019 को उनके द्वारा रिलीज करवाया हुआ था विक्रम फिल्म को उन्होंने रिलीज किया हुआ था 3 जून 2022 को जहां पे केदी फिल्म में लीड रोल में आपको कार्ती देखने को मिले होंगे और विक्रम फिल्म के लीड रोल में कमल हसन थे और वो दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बड़ी हिट फिल्म थी केदी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 105 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था विक्रम फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 500 सौ साढ़े चार सौ पाँच सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसके चलते ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है लोके लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का इससे पहले लोकेश कनक ने भी मास्टर फिल्म भी बनाई थी इसके अलावा

हाई बजट फिल्म है जहाँ पे विजय के करियर के भी सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्मों में से एक फिल्म है इसके अलावा इस फिल्म को काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में बेचा गया है एक अच्छी हाइप क्रिएट हुई है ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स को भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचा हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स है वो भी काफ़ी भारी रकम में बिके हुए हैं जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो श्री गोकुलम मूवीज जिन्होंने इस फिल्म के केरला के लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पंद्रह करोड़ में खरीदे हुए सितारा एंटरटेनमेंट के द्वारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के डिस्ट्रीब्यूट राइट्स खरीदे गए स्वागत एंटरप्राइज के द्वारा कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए फास्ट फिल्म के द्वारा ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए जहां पे उनके साथ मिडल ईस्ट में वो रिलीज करेंगे इसके अलावा एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म के UK के 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 यूके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हुए फोर सीजन द्वारा यूरोप के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट के द्वारा सिंगापुर के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए मलिक स्ट्रीम्स के द्वारा मलेशिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए साइबर सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए प्री बुकिंग है वो यूके में अहमसा एंटरटेनमेंट वालों ने सात से सेप्टेम्बर दो से स्टार्ट करवा दिए छह वीक बिफोर फिल्म के रिलीज के तो काफी पहले ही रिलीज करवा दिए जहां पर उन्होंने करीबन पहले दिन ही प्री बुकिंग से करीब दस हज़ार टिकट बेच दी थी उसके बाद में तेईस हज़ार जैसी टिकट उन्होंने दस दिनों के अंदर यूके से भी बेची हुई थी तो इस तरह से इस फिल्म का एक अच्छा हाइप क्रिएट हुआ है जहाँ पे प्री रिलीज बिजनेस भी फिल्म का काफी बढ़िया है इंडियन जो ट्रेड सोर्सेस है उनसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लियो पेसी ऐसी पहली तमिल फिल्म बनने वाली है जो प्री रिलीज रिकवरी है वो इस फिल्म की करीबन चार बाईस करोड़ की बताई जा रही है सेटेलाइट डिजिटल म्यूजिक थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए जहाँ पे दो करोड़ का जो राइट्स बेचा हुआ है वो नॉन थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए इतना कलेक्शन आया हुआ है यानी कि सेटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक से ही और ओवरसीज के थिएट्रिकल राइट्स है वो भी फास्ट फिल्म में करीबन साठ करोड़ में खरीदे हुए और ये विजय के करियर की सबसे ज्यादा राइट्स सबसे ज़्यादा प्राइस में बेचने वाली फिल्म बनी हुई है और साथ ही में सबसे बड़ी फिल्म भी है जहाँ पे इस फिल्म के साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी उसके बारे में आके बात करेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो मनोज परमहंसा ने की हुई है एडिटिंग है वो फिल्म की की हुई फिल्मिन राज ने म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेंगे सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के द्वारा ये सभी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र जिन्होंने इससे पहले भी लोकेश कनक राज के साथ काफी सारी

मंसूर अली खान मिसकिन मैथ्यूज थोमन प्रिया आनंद मेसेंडी मास्टर बाबू एंटनी मनोबाला जियज मारियम अभिरामी वेंकटाचलम जाफर सिद्दीकी आयाल वसंती माया कृष्णन शांति माया देवी डेंजल स्मिथ मनोना सेब अनुराग कश्यप माँ रामाकृष्णन किरण राठौर और सचिन मनी जैसे कहीं सारे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे इनके क्या किरदार है वो आने वाले समय में रिवील किए जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे डेवलपमेंट की शुरुआत मास्टर फिल्म के बाद हुई थी वो फिल्म करीबन सक्सेस हुई 2021 में उसके बाद में बताया जा रहा था कि लोकेश राज विजय के साथ एक और स्क्रिप्ट शेयर किए हुए उस स्क्रिप्ट के साथ वो इंप्रेस है और वो इस फिल्म को करीबन छा फिल्म के तौर पर शायद बना सकते लेकिन उसके बाद में उन्होंने वारिस फिल्म 2023 में बनाई थी उसके बाद में लोकेश्वर कनक राज और विजय के बीच में एक दो सीटिंग और हुई थी फरवरी 2022 में उसके बाद में मार्च महीने में लोकेश्वर कनक राज ने कंफर्म किया था कि वो विजय की सिक्सटी सेवंथ फिल्म डायरेक्ट करने वाले जहां पे प्रोजेक्ट को टेंटेटिव टाइटल दिया होता था थलपट्टी सिक्सटी सेवन प्रोजेक्ट है वो एस एस ललित कुमार के द्वारा यानी कि सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके द्वारा को प्रोड्यूसर जो मास्टर को उन्होंने किया हुआ था वो भी जुड़े हुए हैं इसके अलावा विजय ने के मैनेजर यानी कि जगदीश ने को प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी पब्लिक अनाउंसमेंट हुई थी जहां पे तीस जनवरी 2023 को एक कन्फर्म किया गया था कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है जहाँ पे ऑफिशियल टाइटल वो तीन फरवरी 2023 को रिवील किया गया था कि इस फिल्म का टाइटल लियो होने वाला है एक पेन इंडिया फिल्म होने वाली है फिल्म को करीबन ढाई सौ से तीन सौ करोड़ में बजट में बनाया जा रहा है जहाँ पे कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि थलपते विजय इस फिल्म के लिए करीबन एक करोड़ जितनी फीस लेने वाले जहाँ पे कुछ रेवेन्यू सीरीजिंग मॉडल के थ्रू भी कुछ चीज़ों को सामने आई थी जहाँ पे वो इस फिल्म के साथ करीबन पचास करोड़ जितनी एडवांस लेंगे उसके बाद में इस फिल्म का क्या कलेक्शन होता है उसके बाद में उसमें वो शेयरिंग लेने वाले तो ऐसी भी कुछ चीज़ें सामने आई हुई थी विजय के द्वारा इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज नहीं करवाने वाले थे वो सिर्फ तमिल ऑडियंस के लिए इस फिल्म को बनाने वाले थे लेटर ऑन फिल्म के डरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनको कन्विंस किया कि हम इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर ले जाएंगे ये फिल्म डेफिनेटली वर्क करेगी तो उन्होंने बाद में ये सभी चीज़ों को एग्री किया उसके बाद में कुछ जो चेंजेस थे इस फिल्म के ओरिजिनल कहानी के साथ जो सभी टाइप की ऑडियंस को यानी कि वाइडर ऑडियंस को कैटर करे इस वजह से कुछ चेंजेस किए गए थे उसके बाद में अगस्त दो में फिल्म के मेकर्स के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि ये लोके सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म के है फ्रेंचाइाइज को किस तरह से कैसे कनेक्ट किया जाएगा क्या अलग कुछ निकाल के आने वाले स्पिन ऑफ के साथ वो सभी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस नहीं हुई है फिल्म को प्री प्रोडक्शन में लोकेश कनेक राज ने करीबन छः मंथ लिए हुए थे राइटिंग में उसके ऊपर उसके, उसके बाद में उनको रत्ना कुमार के द्वारा एक सपोर्ट मिला हुआ था को राइटर के तौर पे जहाँ पे उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से काम किया कास्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जहाँ पे संजय दत्त थे त्रिशा कृष्णन को लिया गया था जहाँ पे त्रिशा कृष्णन काफ़ी लंबे समय के बाद विजय के साथ कास्ट की गई थी इससे पहले उन्होंने गिल्ली तिरुपाची आती और कुरु जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था संजय दत्त मेन इंटागोनिस का रोल ऑफर किया गया था जहाँ पे उनकी सेकंड साउथ इंडियन फिल्म थी के जी चैप्टर टू के बाद इसके अलावा विजय की इस फिल्म में करीबन तीस डिफरेंट लुक हुआ फाइनलाइज किए गए जहाँ पे ग्रेस एडियट हेयर स्टाइल वाला उनका किरदार इस फिल्म में दिखाया हुआ है उसके अलावा काफ़ी सारे एक्टर्स है डायरेक्टर है जो इस फिल्म में एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो तो जनवरी 2023 में ईवीपी फिल्म सिटी इन चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म के कई लोकेशंस चेंज किए हुए थे जहां पे कश्मीर का भी काफ़ी लंबा शेड्यूल रखा हुआ था जो सेकंड शेड्यूल था वो कश्मीर का ही था जिसको एक फरवरी से यानी कि एक फरवरी में स्टार्ट किया हुआ था दो में उस शेड्यूल को भी काफ़ी लंबा रखा हुआ था कुछ चीज़ें थी वहाँ पर शूट करके आगे फिर से एक रीशेड्यूल शेड्यूल वहाँ पर सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ चीज़ें शूट किए हुए थे सत्ताईस फरवरी दो

टली फिल्म इन्जॉय कर सकोगे क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स है उन्होंने कुछ बिहाइंड द सीन भी रिवील किए हुए थे कश्मीर शेड्यूल के जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हुई थी माइनस पाँच से छः डिग्री के अंदर काफ़ी सारी शूटिंग की गई थी इसके अलावा इस फिल्म को दाल लेक हज़रबाद सरेन सोना मार्ग पहलगम और श्रीनगर जैसे अलग अलग शेड्यूल में शूट किया हुआ था इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल है वो ऊन मार्च चेन्नई से स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में वहाँ पर भी कुछ विजय दत्ता संजय दत्तोत्री सा के कुछ सीन शूट किए गए थे अर्जुन प्रिया आनन्द ने भी बाद में सेट ज्वाइन किया हुआ था वो शेड्यूल करीबन सत्रह से बीस दिन का रहा था उसके बाद में एक गाना शूट करवाया गया था चेन्नई में जहाँ पर करीबन पाँच बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे उसके पीछे करीबन सात दिन के अंदर सात दिन की शूटिंग के अंदर सात करोड़ का खर्चा किया हुआ था उसके बाद में हैदराबाद में एक शेड्यूल रखा हुआ था जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में क्लाइमेक्स पोर्शन की शूटिंग वहाँ पर थोड़ी बहुत की गई थी तो इस तरह से विजय ने अपने पोर्शन शूटिंग 10 जुलाई तक कंप्लीट करवाई पूरी फिल्म की शूटिंग 14 जुलाई 2023 तक कंप्लीट करवाई गई थी जहां पे फिल्म 125 दिन जितनी शूटिंग में रही थी तो 125 दिन की शूटिंग के बाद फिल्म को करवाया गया था लेकिन उसके एक के बाद फिल्म का कश्मीर का एक पेज वर्क का लोकेशन का शूटिंग फिर से स्टार्ट किया हुआ तो उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में फरवरी दो में इस फिल्म को ले जाया गया जहां पे एक एक्सटेंडेड पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो स्टार्ट किया गया था कुछ वर्क था उसमें चेंजेस किए गए थे बाद

जितनी भारी रकम देते हुए इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा विजय के काकती मास्टर और बीस्ट के बाद लोकेश के साथ ये फिल्म बनाते हुए नजर आए थे में और इसके अलावा इस फिल्म में अनिरुद्ध पहले काफी बार इन दोनों के साथ काम किया हुआ था फिल्म में ब्लडी स्वीट करके जो टाइटल के साथ एक एक, एक, एक प्रमोशनल वीडियो रिलीज किया था वो सॉन्ग है वो हिजनबर्ग के में द्वारा लिखा गया था अनिरुद्ध रविचंदन और सिद्धार्थ बसरो ने उसको गाया हुआ था ना रेडी करके जो गाना था उसको बाईस जून दो को रिलीज़ uh, करवाया गया था सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा जिसको विष्णु इडवान जिसका रेप था वो असल कोलार ने लिखा हुआ था विजय अनिरुद्ध रविचंद्र असल कोलार के द्वारा गवाया गया था बेडेस गाना है उसको विष्णु इडवान ने लिखा हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया हुआ था जिसको अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो को रिलीज़ किया हुआ था फिलहाल में यह सभी चीज़ें रिलीज हुई इतने गाने रिलीज़ हुए तो अभी फिलहाल में इनको सुनना है तो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म को 19 अक्टूबर 2023 से थिएटर में रिलीज करने वाले जैसे मैंने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बताई है उनके द्वारा इस फिल्म को एक बड़ी रिलीज दिलवाई जाएगी जहां पे यह फिल्म आई और अदर प्रीमियम फॉर्मेट्स में भी रिलीज की जाएगी जहां पर तमिल के अलावा इस फिल्म के डब्ड वर्जन जैसे कि तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को उन्नीस अक्टूबर दो को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का एक अनकट वर्जन है जो थिएट्रिकल रिलीज के साथ यूके में करवाया जाएगा इसके अलावा इंडिया में भी इस फिल्म के अनकट वर्जन

बॉक्स ऑफिस पे कहां पे जाके रुकती है फिल्म के जो ओटीटी वो नेटफ्लिक्स के पास है तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के लिए सैटेलाइट राइट्स है वो तमिल वर्जन के लिए सन टीवी के पास है और हिंदी डब वर्जन के 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 लिए के पास है अब देखते हैं कि ये सभी रिलीज के बाद फिल्म को कितने समय के बाद रिलीज करवाया जाता है थिएट्रिकल रिलीज के बाद इस फिल्म को डेफिनेटली एक लंबा समय रहेगा कि उसके बाद रिलीज करवाया जाएगा जहां पे लियो फिल्म जब थिएटर में रिलीज होगी तो पहले तीन दिन तो बंपर ओपनिंग लगने वाली है अगर फिल्म का कंटेंट बहुत बढ़िया निकल गया तो डेफिनेटली फिल्म ऐसा आंकड़ा पार कर सकती है जो विजय के करियर की शामिल हो सकती हैलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में रिलीज करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है तमिल वाला वो सन टीवी के ऊपर ओटीटी रिलीज के कुछ महीनों के बाद प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में हिंदी डब है वो कोलमाइंस के द्वारा उनके टेलीविजन चैनल के ऊपर लियो नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ली फिल्म फिलहाल में 19 अक्टूबर 2023 से थिएटर में रिलीज़ होने वाली है जहाँ पे तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा एक बड़े पैमाने पे इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये फिल्म अच्छी खासी स्क्रीन के साथ रिलीज़ होगी डेफिनेटली ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले विजय के करियर के अपने खुद के रिकॉर्ड्स टूटेंगे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक लंबा वीकेंड बड़ा वीकेंड लेगी उसके बाद में एक लंबा रन ले सकती है अगर अच्छा कंटेंट निकला तो और ऐसा कुछ रहता है तो जिस तरह से विक्रम फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे फिल्म उससे भी आगे जाके रुक सकती है और शायद हो सकता है के 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 करियर की सबसे बड़ी क्रॉसिंग फिल्म फिल्म भी साबित हो सकती है है पे इस फिल्म के जो राइट्स तमिल वर्जन लिए वो सन टीवी ने खरीदे हुए हिंदी डब वर्जन के राइट्स गोल्ड के पास है ओटी टी राइड्स है सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी डब के लिए नेटफ्लिक्स ने खरीदे हुए इसका मतलब कि आने वाले कुछ महीनों में फिल्म नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल हिंदी तेलगू कन्नड़ा और मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी विध इंग्लिश सब टाइटल चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा हिंदी डब वर्जन के लिए इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे गोल्ड माइन्स के टेलीविजन चैनल के ऊपर लियो नाम के साथ रिलीज के कुछ महीनों के बाद तो इस तरह से लियो फिल्म को आप ऑफिशियली ओटीटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में रिलीज होते हुए देख सकते हो लियो जो 2023 की एक पेन इंडिया फिल्म है जिसको तमिल लैंग्वेज में मेनली बनाया गया है वहीं पे इस फिल्म का जो नरे एक्शन थ्रिलर तमिल के साथ साथ तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को इस फिल्म को रिलीज़ किया जा जाएगा हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो गोलमाइंस के पास है उनके द्वारा इस फिल्म को डब करवा के साथ ही में थिएटर में रिलीज करवाया जाने वाला है जहाँ पे इस फिल्म को पहले टेंटेटिव टाइटल थलपति सिक्सटी दिया हुआ था इस फिल्म को का कर रहे लोकेश कनक जो स्टोरी है वो भी उनकी है उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है लोकेश कनक रत्ना कुमार और वैद्य ने मिलकर किया हुआ है स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन लोकेश कनगराज का, का देखने को मिलेगा लोकेश कनगराज ने इससे पहले इस लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स में दो फिल्में बनाई हुई है एक तो है केदी जिसको 25 अक्टूबर 2019 को उनके द्वारा रिलीज करवाया हुआ था विक्रम फिल्म को उन्होंने रिलीज किया हुआ था तीन जून दो को जहाँ पे केदी फिल्म में लीड रोल में आपको कार्ती देखने को मिले होंगे और विक्रम फिल्म के लीड रोल में कमल हसन थे और वो दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बड़ी हिट फिल्म थी केदी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 105 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था विक्रम फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 500 सौ साढ़े चार सौ पाँच सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसके चलते ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का इससे पहले लोकेश कनक ने भी मास्टर फिल्म भी बनाई थी इसके अलावा

हाई बजट फिल्म है जहाँ पे विजय के करियर के भी सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्मों में से एक फिल्म है इसके अलावा इस फिल्म को काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में बेचा गया है एक अच्छी हाइप क्रिएट हुई है ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स को भी काफी बड़ी रकम में बेचा हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स है वो भी काफी भारी रकम में बिके हुए हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो श्री गोकुलम मूवीज जिन्होंने इस फिल्म के केरला के लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पंद्रह करोड़ में खरीदे हुए सितारा एंटरटेनमेंट के द्वारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के डिस्ट्रीब्यूट राइट्स खरीदे गए स्वागत एंटरप्राइज के द्वारा कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए फास्ट फिल्म के द्वारा ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए जहां पे उनके साथ मिडल ईस्ट में वो रिलीज करेंगे इसके एंटरटेनमेंट के द्वारा सिंगापुर के डिस्ट्रीब्यूशन के, के राइट्स खरीदे हुए मलिक स्ट्रीम्स के द्वारा मलेशिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए साइबर सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए प्री बुकिंग है वो यूके में अहिमसा एंटरटेनमेंट वालों ने सांस से सेप्टेम्बर दो से स्टार्ट करवा दिए छह वीक बिफोर फिल्म के रिलीज के तो काफी पहले ही रिलीज करवा दिए जहां पर उन्होंने करीबन पहले दिन ही प्री बुकिंग से करीबन दस हज़ार टिकट बेच दी थी उसके बाद में तेईस हज़ार जैसी टिकटें उन्होंने दस दिनों के अंदर यूके से भी बेची हुई थी तो इस तरह से इस फिल्म का एक अच्छा हाइप क्रिएट हुआ है जहाँ पे प्री रिलीज बिजनेस भी फिल्म का काफी बढ़िया है इंडियन इन, जो ट्रेड सोर्सेस है उनसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लियो पेसिस ऐसी पहली तमिल फिल्म बनने वाली है जो प्री रिलीज रिकवरी है वो इस फिल्म की करीबन चार बाईस करोड़ की बताई जा रही है सेटेलाइट डिजिटल म्यूजिक थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए जहाँ पे दो करोड़ का जो राइट्स बेचा हुआ है वो नॉन थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए इतना कलेक्शन आया हुआ है यानी कि डे सेटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक से ही और ओवरसीज़ के थिएट्रिकल राइट्स है वो भी फास्ट फिल्म में करीबन साहठ करोड़ में खरीदे हुए और ये विजय के करियर की सबसे ज़्यादा राइट्स सबसे ज़्यादा प्राइस में बीतने वाली फिल्म बनी हुई है और साथ ही में सबसे बड़ी फिल्म भी है जहाँ पे इस फिल्म के साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी उसके बारे में आगे बात करेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो मनोज परमसा ने की हुई है एडिटिंग है वो फिल्म की की हुई फिलोमिन राज ने म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेंगे सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के द्वारा ये सभी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र जिन्होंने इससे पहले भी लोकेश कनक के साथ काफी सारी

अली खान किन मैथ्यूस थॉमन प्रिया आनंद मेसेंडी मास्टर बाबू एंटनी मनोबाला जियोज मारियम अभिरामी वेंकटाचलम जाफर सिद्दीकी आयल वसंती माया कृष्णन शांति देवी डेंजल स्मिथ मरोना सेबसियन अनुराग कश्यप माँ रामाकृष्णन किरण राठौर और सचिन मणि जैसे कई सारे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे इनके क्या किरदार है वो आने वाले समय में रिवील किए जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत मास्टर फिल्म के बाद हुई थी वो फिल्म करीबन सक्सेस हुई दो में उसके बाद में बताया जा रहा था कि लोकेश राज विजय के साथ एक और स्क्रिप्ट शेयर किए हुए उस स्क्रिप्ट के साथ वो इम्प्रेस है और वो इस फिल्म को करीबन छा छठवी फिल्म के तौर पर शायद बना सकते हैं लेकिन उसके बाद में उन्होंने वारिस फिल्म 2023 में बनाई थी उसके बाद में लोकेश्वर कनक राज और विजय के बीच में एक दो सीटिंग और हुई थी फरवरी 2022 में उसके बाद में मार्च महीने में लोकेश्वर कनक राज ने कंफर्म किया था कि वो विजय की सिक्सटी सेवंथ फिल्म डायरेक्ट करने वाले जहां पे प्रोजेक्ट को टेंटेटिव टाइटल दिया होता था थलपट्टी सिक्सटी सेवन प्रोजेक्ट है वो एस एस ललित कुमार के द्वारा यानी कि सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके द्वारा को प्रोड्यूसर जो मास्टर को उन्होंने किया हुआ था वो भी जुड़े हुए इसके अलावा विजय ने के मैनेजर यानी कि जगदीश ने को प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के साथ काफी सारी पब्लिक अनाउंसमेंट हुई थी जहां पे तीस जनवरी 2023 को एक कन्फर्म किया गया था कि प्रोजेक्ट आने वाला है जहाँ पे ऑफिशियल टाइटल वो तीन फरवरी 2023 को रिवील किया गया था कि इस फिल्म का टाइटल लियो होने वाला है एक पेन इंडिया फिल्म होने वाली है फिल्म को करीबन 250 से 300 करोड़ में बजट में बनाया जा रहा है जहाँ पे कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि थलपते विजय इस फिल्म के लिए करीबन एक करोड़ जितनी फीस लेने वाले जहाँ पे कुछ रेवेन्यू सीरीजिंग मॉडल के थ्रू भी कुछ चीज़ों को सामने आई थी जहाँ पे वो इस फिल्म के साथ करीबन पचास करोड़ जितनी एडवांस लेंगे उसके बाद में इस फिल्म का क्या कलेक्शन होता है उसके बाद में उसमें वो शेयरिंग लेने वाले तो ऐसी भी कुछ चीज़ें सामने आई हुई थी विजय के द्वारा इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ नहीं करवाने वाले थे वो सिर्फ तमिल ऑडियंस के लिए इस फिल्म को बनाने वाले थे लेटर ऑन फिल्म के डरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनको कन्विंस किया कि हम इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर ले जाएंगे ये फिल्म डेफिनेटली वर्क करेगी तो उन्होंने बाद में ये सभी चीज़ों को एग्री किया उसके बाद में कुछ जो चेंजेस थे इस फिल्म के ओरिजिनल कहानी के साथ जो सभी टाइप की ऑडियंस को यानी कि वाइडर ऑडियंस को कैटर करे इस वजह से कुछ चेंजेस किए गए थे उसके बाद में अगस्त दो में फिल्म के मेकर्स के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि ये लोके सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म के फ़्रेंचाइज को किस तरह से कैसे कनेक्ट किया जाएगा क्या अलग कुछ निकाल के आने वाले स्पिन ऑफ के साथ वो सभी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस नहीं हुई है फिल्म को प्री प्रोडक्शन में लोकेश कनेक ने करीबन छः मंथ लिए हुए थे राइटिंग में उसके ऊपर उसके बाद में उनको रत्ना कुमार के द्वारा एक सपोर्ट मिला हुआ था को राइटर के तौर पर जहाँ पे, जहां पे उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से काम किया कास्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जहाँ पे संजय दत्त थे त्रिशा कृष्णन को लिया गया था जहाँ पे त्रिशा कृष्णन काफ़ी लंबे समय के बाद विजय के साथ कास्ट की गई थी इससे पहले उन्होंने गिल्ली तिरुपाची आती और कुरुवी जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था संजय दत्त मेन इंटागोनिस का रोल ऑफर किया गया था जहाँ पे उनकी सेकंड साउथ इंडियन फिल्म थी के जी चैप्टर टू के बाद इसके अलावा विजय की इस फिल्म में करीबन तीस डिफरेंट लुक हुआ फाइनलाइज किए गए जहाँ पे ग्रेस एडियट हेयर स्टाइल वाला उनका किरदार इस फिल्म में दिखाया हुआ है उसके अलावा काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं जो इस फिल्म में एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो तो जनवरी 2023 में ईवीपी फिल्म सिटी इन चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म के कई लोकेशंस चेंज किए हुए थे जहां पे कश्मीर का भी काफ़ी लंबा शेड्यूल रखा हुआ था जो सेकंड शेड्यूल था वो कश्मीर का ही था जिसको एक फरवरी से यानी कि एक फरवरी में स्टार्ट किया हुआ था दो में उस शेड्यूल को भी काफ़ी लंबा रखा हुआ था कुछ चीज़ें थी वहाँ पर शूट करके आगे फिर से एक रीशेड्यूल शेड्यूल वहाँ पर सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ चीज़ें शूट किए हुए थे सत्ताईस फरवरी दो ने कहा था कि उनके का जो पोर्सन की शूटिंग में शूट किया जाने वाला तमिल फिल्म पहली बनी। उसके बाद में ग्यारह मार्च से संजय दत्त ने अपने पोर्सन की शूटिंग कश्मीर से स्टार्ट की हुई थी जहां पर छह दिन लंबा एक शेड्यूल रखा गया था इक्कीस मार्च में कुछ माइनर अर्थक्वेक के चलते लोकेशंस को चेंज करना पड़ा था उसके

फिल्म इन्जॉय कर सकोगे क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है उन्होंने कुछ बिहाइंड द सीन भी रिवील किए हुए थे कश्मीर शेड्यूल के जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हुई थी माइनस पाँच से छः डिग्री के अंदर काफ़ी सारी शूटिंग की गई थी इसके अलावा इस फिल्म को दाल लेक हज़रबाद सोनामार्ग पहलगम और श्रीनगर जैसे अलग अलग शेड्यूल में शूट किया हुआ था इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल है वो ट्वेंटी मार्च चेन्नई से स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में वहाँ पे भी कुछ विजय दत्ता संजय दत्तोत्री सा के कुछ सीन शूट किए गए थे अर्जुन प्रिया आनन्द ने भी बाद में सेट ज्वाइन किया हुआ था वो शेड्यूल करीबन सत्रह से बीस दिन का रहा था उसके बाद में एक गाना शूट करवाया गया था चेन्नई में जहाँ पर करीबन पाँच बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे उसके पीछे करीबन सात दिन के अंदर सात दिन की शूटिंग के अंदर सात करोड़ का खर्चा किया हुआ था उसके बाद में हैदराबाद में एक शेड्यूल रखा हुआ था जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में क्लाइमेक्स पोर्शन की शूटिंग वहाँ पे थोड़ी बहुत की गई थी तो इस तरह से विजय ने अपने पोर्शन शूटिंग 10 जुलाई तक कंप्लीट करवाई पूरी फिल्म की शूटिंग 14 जुलाई 2023 तक कंप्लीट करवाई थी जहां पे फिल्म 125 दिन जितनी शूटिंग में रही थी तो एक का सौ का पच्चीस का लोकेशन का शूटिंग फिर से स्टार्ट किया हुआ उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में फरवरी दो में इस फिल्म को ले जाया गया जहां पे एक एक्सटेंडेड पोस्ट प्रोडक्शन काम था वो स्टार्ट किया गया था कुछ वर्क था उसमें चेंजेस किए गए थे बाद

जितनी भारी रकम देते हुए फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा विजय के का मास्टर और बीस्ट के बाद लोकेश के साथ ये चौथी फिल्म बनाते हुए नजर आए थे में और इसके अलावा इस फिल्म में अनिरुद्ध ने भी इससे पहले काफी बार इन दोनों के साथ काम किया हुआ था फिल्म में ब्लडी स्वीट करके जो टाइटल के साथ एक एक, प्रमोशनल वीडियो रिलीज किया था वो सॉन्ग है वो हेजनबर्ग के में द्वारा लिखा गया था अनिरुद्ध रविचंदन और सिद्धार्थ बसरो ने उसको गाया हुआ था ना रेडी करके जो गाना था उसको बाईस जून दो को रिलीज uh, करवाया गया था सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा जिसको विष्णु इडवान जिसका रेप था वो असल कोलार ने लिखा हुआ था विजय अनिरुद्ध रविचंद्र असल कोलार के द्वारा गवाया गया था बेडेस गाना है उसको विष्णु इडवान ने लिखा हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया हुआ था जिसको अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो हजार तेईस को रिलीज़ किया हुआ था फिलहाल में सभी चीज़ें रिलीज हुई इतने गाने रिलीज हुए तो अभी फिलहाल में इनको सुनना है तो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म को 19 अक्टूबर 2023 से थिएटर में रिलीज करने वाले जैसे मैंने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बताई है उनके द्वारा इस फिल्म को एक बड़ी रिलीज दिलवाई जाएगी जहां पे यह फिल्म आई और अदर प्रीमियम फॉर्मेट्स में भी रिलीज की जाएगी जहां पे तमिल के अलावा इस फिल्म के डब्ड वर्जन जैसे कि तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को उन्नीस अक्टूबर दो को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का एक अनकट वर्जन है जो थिएट्रिकल रिलीज के साथ यूके में करवाया जाएगा इसके अलावा इंडिया में भी इस फिल्म के अनकट वर्जन को नेटफ्लिक्स पे शायद अपलोड करवाया जा सकता है आने वाले समय में और लियो ऐसी में में रिलीज हो रही है चार सौ बाईस करोड़ के सेटेलाइट डिजिटल म्यूजिक और थिएट्रिकल राइट्स को मिलाते हुए और साठ करोड़ में बेचे हुए वहीं पर नॉन थिएट्रिकल राइट दो करोड़ में तो इस फिल्म ने ऑलरेडी काफी सारा प्रॉफिट कर लिया है अब देखने वाली बात है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कहां पे जाके रुकती है फिल्म के जो टी राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के पास है तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी के, लिए। वो के, लिए। के पास है। और हिंदी के बाद रिलीज करवाया जाता है उसके बाद रिलीज करवाया जाएगा जहां पे लियो फिल्म जब थिएटर में रिलीज होगी तो पहले तीन दिन तो बंपर ओपनिंग लगने वाली है अगर फिल्म का कंटेंट बहुत बढ़िया निकल गया तो डेफिनेटली फिल्म ऐसा आंकड़ा पार कर सकती है जो विजय के करियर की शामिल हो सकती हैलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में रिलीज करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है तमिल वाला वो सन टीवी के ऊपर ओटीटी रिलीज के कुछ महीनों के बाद प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में हिंदी डब है वो कोलमाइंस के द्वारा उनके टेलीविजन चैनल के ऊपर लियो नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ली जो फिल्म फिलहाल में 19 अक्टूबर 2023 से थिएटर में रिलीज़ होने वाली है जहाँ पे तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा एक बड़े पैमाने पे इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये फिल्म अच्छी खास स्क्रीन के साथ रिलीज़ होगी डेफिनेटली ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले विजय के करियर के अपने खुद के रिकॉर्ड्स टूटेंगे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक लंबा वीकेंड बड़ा वीकेंड लेगी उसके बाद में एक लंबा रन ले सकती है अगर अच्छा कंटेंट निकला तो और ऐसा कुछ रहता है तो जो जिस तरह से विक्रम फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे फिल्म उससे भी आगे जाके रुक सकती है और शायद हो सकता है विजय के करियर की सबसे बड़ी हाइस्ट क्रॉसिंग फिल्म भी साबित हो सकती है जहां पे इस फिल्म के 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 जो राइट्स 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 है 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 तमिल वर्जन वर्जन लिए वो सन ने खरीदे हुए हिंदी डब पास है। सभी साउथ इंडियन लैंग्वेज लें और हिंदी डब के लिए नेटफ्लिक्स ने खरीदे हुए इसका मतलब कि आने वाले कुछ महीनों में फिल्म नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन तमिल हिंदी तेलुगु कन्नडा और मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल फिल्म का सेटेलाइट वर्जन तमिल लैंग्वेज के लिए सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा हिंदी डब वर्जन के लिए इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे गोल्ड के टेलीविजन चैनल के ऊपर लियो नाम के साथ ओ रिलीज के कुछ महीनों के बाद तो इस तरह से लियो फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में रिलीज होते हुए देख सकते हो जो दो हजार की एक पेन इंडिया फिल्म है जिसको तमिल लैंग्वेज में मेनली बनाया गया है वहीं पे इस फिल्म का जोन हर है एक्शन थ्रिलर तमिल के साथ साथ तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो गोलमाइंस के पास है उनके द्वारा इस फिल्म को डब करवा के साथ ही में थिएटर में रिलीज करवाया जाने वाला है जहाँ पे इस फिल्म को पहले टेंटेटिव टाइटल थलपति सिक्सटी दिया हुआ था इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे लोकेश कनक जो स्टोरी है वो भी उनकी है उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है लोकेश कनक रत्ना कुमार रोतिराज वैद्य ने मिलकर किया हुआ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन लोकेश कनगराज का, का देखने को मिलेगा रोक् लोकेश कनगराज ने इससे पहले इस लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में दो फिल्में बनाई हुई है एक तो है केदी जिसको 25 अक्टूबर 2019 को उनके द्वारा रिलीज करवाया हुआ था विक्रम फिल्म को उन्होंने रिलीज किया हुआ था 3 जून 2022 को जहां पे कैदी फिल्म में लीड रोल में आपको कार्ती देखने को मिले होंगे और विक्रम फिल्म के लीड रोल में कमल हसन थे और वो दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बड़ी हिट फिल्म थी केदी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 105 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था विक्रम फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 500 सौ साढ़े चार सौ पाँच सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसके चलते ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है लोकेश लोके सिनेमेटिक यूनिवर्स का इससे पहले लोकेश कनक ने भी मास्टर फिल्म भी बनाई थी इसके अलावा ना गरम बनाई थी आवियाल तो सभी फिल्में अच्छी तरह से तरह से वर्क कर गई थी अब लियो फिल्म के साथ उनका काम कैसे किया देखने को मिलता है वो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे एस एस ललित कुमार जगदीश पालने स्वामी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 250 से 300 करोड़ में बजट बज़, में बनाया हुआ है जहां पे सेवन स्क्रीन प्रोड़, स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं पे ये हाई बजट फिल्म है जहाँ पे विजय के करियर के भी सबसे ज़्यादा बजट वाली फ़िल्मों में से एक फ़िल्म है इसके अलावा इस फिल्म को काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में बेचा गया है एक अच्छी हाइप क्रिएट हुई है ओ टी टी राइट्स को भी काफी बड़ी रकम में बेचा हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स है वो भी काफी भारी रकम में बिके हुए हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो श्री गोकुलम मूवीज जिन्होंने इस फिल्म के केरला के लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पंद्रह करोड़ में खरीदे हुए सितारा एंटरटेनमेंट के द्वारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के डिस्ट्रीब्यूट राइट्स खरीदे गए स्वागत एंटरप्राइज के द्वारा कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए फास्ट फिल्म के द्वारा ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए जहां पे उनके साथ मिडल ईस्ट में वो रिलीज करेंगे इसके एंटरटेनमेंट के द्वारा सिंगापुर के, के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए मलिक स्ट्रीम्स के द्वारा मलेशिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए साइबर सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए प्री बुकिंग है वो यूके में अहिमसा एंटरटेनमेंट वालों ने सात से सितंबर 2023 से स्टार्ट करवा दिए छह वीक बिफोर फिल्म के रिलीज के तो काफ़ी पहले ही रिलीज करवा दिए जहां पे उन्होंने करीबन पहले दिन ही प्री बुकिंग से करीबन दस हज़ार टिकट बेच दी थी उसके बाद में तेईस हज़ार जैसी टिकटें उन्होंने दस दिनों के अंदर यूके से भी बेची हुई थी तो इस तरह से इस फिल्म का एक अच्छा हाइप क्रिएट हुआ है जहाँ पे प्री रिलीज बिजनेस भी फिल्म का काफ़ी बढ़िया है इन, इंडियन जो ट्रेड सोर्सेस है उनसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लियो पेसी ऐसी पहली तमिल फिल्म बनने वाली है जो प्री रिलीज रिकवरी है वो इस फिल्म के करीबन चार सौ बाईस करोड़ की बताई जा रही है सेटेलाइट डिजिटल म्यूजिक थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए जहाँ पे दो करोड़ का जो राइट्स बेचा हुआ है वो नॉन थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए इतना कलेक्शन आया हुआ है यानी कि डे सेटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक से ही और ओवरसीज के थिएट्रिकल राइट्स है वो भी फास्ट फिल्म में करीबन साहठ करोड़ में खरीदे हुए और ये विजय के करियर की सबसे ज़्यादा राइट्स सबसे ज़्यादा प्राइस में बेचने वाली फिल्म बनी हुई है और साथ ही में सबसे बड़ी फिल्म भी है जहाँ पे इस फिल्म के साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी उसके बारे में आगे बात करेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है मनोज परमसा ने की हुई है एडिटिंग है वो फिल्म की की हुई फिलोमिन राज ने म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेंगे सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के द्वारा ये सभी चीजें प्रोड्यूस की जा रही है यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र जिन्होंने इससे पहले भी लोकेश कनक के साथ काफी सारी

मास्टर बाबू एंटनी मनोबाला जियोज मारियम अभिरामी वेंकटाचलम जाफर सिद्दीकी आयल वसंती माया कृष्णन शांति माया देवी डेन्जियल स्मिथ मनोना सेबस्टियन अनुरा कश्यप माँ रामाकृष्णन किरण राठौर और सचिन मनी जैसे कई सारे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नज़र आएंगे इनके क्या किरदार है वो आने वाले समय में रिवील किए जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत मास्टर फिल्म के बाद हुई थी वो फिल्म करीबन सक्सेस हुई दो में उसके बाद में बताया जा रहा था लोकेश राज विजय के साथ एक और स्क्रिप्ट शेयर किए हुए उस स्क्रिप्ट के साथ वो इम्प्रेस है और वो इस फिल्म को करीबन छा फिल्म के तौर पर शायद बना सकते हैं लेकिन उसके बाद में उन्होंने वारिस फिल्म 2023 में बनाई थी उसके बाद में लोकेश्वर कनक और विजय के बीच में एक दो सीटिंग और हुई थी फरवरी 2022 में उसके बाद में मार्च महीने में लोकेश्वर कनक ने कंफर्म किया था कि वो विजय की सिक्सटी सेवंथ फिल्म डायरेक्ट करने वाले जहां पे एस, एस प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके द्वारा को प्रोड्यूसर जो मास्टर को उन्होंने किया हुआ था वो भी जुड़े हुए इसके अलावा विजय ने के मैनेजर यानी कि जगदीश ने को प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के साथ काफी सारी पब्लिक अनाउंसमेंट हुई थी जहां पे तीस जनवरी 2023 को एक कन्फर्म किया गया था कि प्रोजेक्ट आने वाला है जहाँ पे ऑफिशियल टाइटल वो तीन फरवरी 2023 को रिवील किया गया था कि इस फिल्म का टाइटल लियो होने वाला है एक पेन इंडिया फिल्म होने वाली है फिल्म को करीबन 250 से 300 करोड़ में बजट में बनाया जा रहा है जहाँ पे कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि थलपते विजय इस फिल्म के लिए करीबन एक करोड़ जितनी फीस लेने वाले जहाँ पे कुछ रेवेन्यू सीरीजिंग मॉडल के थ्रू भी कुछ चीज़ों के सामने आई थी जहाँ पे वो इस फिल्म के साथ करीबन पचास करोड़ जितनी एडवांस लेंगे उसके बाद में इस फिल्म का क्या कलेक्शन होता है उसके बाद में उसमें वो शेयरिंग लेने वाले तो ऐसी भी कुछ चीज़ें सामने आई हुई थी विजय के द्वारा इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ नहीं करवाने वाले थे वो सिर्फ तमिल ऑडियंस के लिए इस फिल्म को बनाने वाले थे लेटर ऑन फिल्म के डरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनको कन्विंस किया कि हम इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर ले जाएंगे ये फिल्म डेफिनेटली वर्क करेगी तो उन्होंने बाद में ये सभी चीज़ों को एग्री किया उसके बाद में कुछ जो चेंजेस थे इस फिल्म के ओरिजिनल कहानी के साथ जो सभी टाइप की ऑडियंस को यानी कि वाइडर ऑडियंस को कैटर करे इस वजह से कुछ चेंजेस किए गए थे उसके बाद में अगस्त दो में फिल्म के मेकर्स के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि ये लोके सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म के फ्रेंचाइज को किस तरह से कैसे कनेक्ट किया जाएगा क्या अलग कुछ निकाल के आने वाले स्पिन ऑफ के साथ वो सभी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस नहीं हुई है फिल्म को प्री प्रोडक्शन में लोकेश कनेक ने करीबन छः मंथ लिए हुए थे राइटिंग मैन उसके ऊपर उसके बाद में उनको रत्ना कुमार के द्वारा एक सपोर्ट मिला हुआ था कोर राइटर के तौर पर जहाँ पे, जहां पे उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से काम किया कास्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जहाँ पे संजय दत्त थे त्रिशा कृष्णन को लिया गया था जहाँ पे त्रिशा कृष्णन काफ़ी लंबे समय के बाद विजय के साथ कास्ट की गई थी इससे पहले उन्होंने गिल्ली तिरुपाची आती और कुरुवी जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था संजय दत्त मेन इंटागोनिस का रोल ऑफर किया गया था जहाँ पे उनकी सेकंड साउथ इंडियन फिल्म थी के जीप चैप्टर टू के बाद इसके अलावा विजय की इस फिल्म में करीबन तीस डिफरेंट लूक फाइनलाइज किए गए जहाँ पे ग्रेस स्टाइल वाला उनका किरदार इस फिल्म में दिखाया हुआ है उसके अलावा काफ़ी सारे एक्टर्स है डायरेक्टर है जो इस फिल्म में एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो तो जनवरी 2023 में ई फिल्म सिटी इन चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म के कई लोकेशंस चेंज किए हुए थे जहां पे कश्मीर का भी काफ़ी लंबा शेड्यूल रखा हुआ था जो सेकंड शेड्यूल था वो कश्मीर का ही था जिसको एक फरवरी से यानी कि एक फरवरी में स्टार्ट किया हुआ था दो में उस शेड्यूल को भी काफ़ी लंबा रखा हुआ था कुछ चीज़ें थी वहाँ पर शूट करके आगे फिर से एक रीशेड्यूल शेड्यूल वहाँ पर सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ चीज़ें शूट की हुई थी सत्ताईस फरवरी दो

મે શેડ્યુલ કો ફિર સે રીજોઈન કિયા થા એક્શન સિક્વન્સ કरीबन 10 કરોડ કે અંદર ઉનહોને શૂટ કિયા થા એક એક્શન સિક્વન્સ કો ઇસકે અલા વિજય કી જો ફાઈટ સિક્વન્સ હે ઉસકો ભી અલગ અલગ લેંગ્વેજ અલગ અલગ લેવલ પે સેટ કિયા ہوا થા જહાંપે એક એક્શન ફાઈટ સીન્સ કો ઉનહોને -20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર મે શૂટ કિયા ہوا થા વો ભી શટલેસ સીન થા તો વો અપને આપ મે badi baat hai to kaafi sare aise is film mein jo mahol dekhne ko milenge kuch aise scenes dekhne ko milenge jiske piche unhon ne kaafi mehnat ki hui hai aur ye sabhi cheeze aapko definitely फिल्म इन्जॉय कर सकोगे क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है उन्होंने कुछ बिहाइंड द सीन भी रिवील किए हुए थे कश्मीर शेड्यूल के जहाँ पे काफी सारी चीज़ें सामने आई हुई थी माइनस पाँच से छः डिग्री के अंदर काफ़ी सारी शूटिंग की गई थी इसके अलावा इस फिल्म को दाल लेक हज़रबाद सरेन सोनामार्ग पहलगाम और श्रीनगर जैसे अलग अलग शेड्यूल में शूट किया हुआ था इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल है वो ऊन मार्च चेन्नई से स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में वहाँ पे भी कुछ विजय दत्ता संजय दत्त तो उ के कुछ सीन शूट किए गए थे अर्जुन प्रिया आनंद ने भी बाद में सेट ज्वाइन किया हुआ था वो शेड्यूल करीबन सत्रह से बीस दिन का रहा था उसके बाद में एक गाना शूट करवाया गया था चेन्नई में जहाँ पे करीबन पाँच सौ बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे उसके पीछे करीबन सात दिन के अंदर सात दिन की शूटिंग के अंदर सात करोड़ का खर्चा किया हुआ था उसके बाद में हैदराबाद में एक शेड्यूल रखा हुआ था जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में क्लाइमैक्स पोर्सन की शूटिंग वहाँ पर थोड़ी बहुत की गई थी तो इस तरह से विजय ने अपने पोर्सन शूटिंग 10 जुलाई तक कंप्लीट करवाई पूरी फिल्म की शूटिंग 14 जुलाई 2023 तक कंप्लीट करवाई गई थी तो एक का सौ का पच्चीस का लोकेशन का शूटिंग फिर से स्टार्ट किया हुआ उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में फरवरी दो में इस फिल्म को ले जाया गया जहां पे एक एक्सटेंडेड पोस्ट प्रोडक्शन काम था वो स्टार्ट किया गया था कुछ वर्क था उसमें चेंजेस किए गए थे बाद

रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म को 19 अक्टूबर 2023 से थिएटर में रिलीज करने वाले जैसे मैंने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बताई है उनके द्वारा इस फिल्म को एक बड़ी रिलीज दिलवाई जाएगी जहां पे यह फिल्म आई और अदर प्रीमियम फॉर्मेट्स में भी रिलीज की जाएगी जहां पे तमिल के अलावा इस फिल्म के डब्ड वर्जन जैसे कि तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को उन्नीस अक्टूबर दो को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का एक अनकट वर्जन है जो थिएट्रिकल रिलीज के साथ यूके में करवाया जाएगा इसके अलावा इंडिया में भी इस फिल्म के अनकट वर्जन को नेटफ्लिक्स पे शायद अपलोड करवाया जा सकता है आने वाले समय में और लियो ऐसी पहली तमिल फिल्म है विजय सॉरी लियो ऐसी पहली विजय की फिल्म है जो आई फॉर्मेट में यूके में रिलीज़ हो रही है जहाँ पे इस फिल्म का जैसे कि मैंने कहा कि प्री रिलीज बिजनेस काफ़ी पड़ा हुआ है जो प्री रिलीज रिकवरी रिकवरी चार सौ बाईस करोड़ के सेटेलाइट डिजिटल म्यूजिक और थिएट्रिकल राइट्स को मिलाते हुए और सीज़ के राइट्स भी साठ करोड़ में बेचे हुए बेचे हुए वहीं पर नॉन थिएट्रिकल राइट्स दो करोड़ में तो इस फिल्म ने ऑलरेडी काफ़ी सारा प्रॉफिट कर लिया है अब देखने वाली बात है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कहाँ पर जाकर रुकती है फिल्म के जो ओ टी टी राइट है वो नेटफ्लिक्स के पास है तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के, के लिए सन टीवी के पास है और हिंदी एक लंबा समय रहेगा उसके बाद रिलीज करवाया जाएगा जहां पे लियो फिल्म जब थिएटर में रिलीज होगी तो पहले तीन दिन तो बंपर ओपनिंग लगने वाली है अगर फिल्म का कंटेंट बहुत बढ़िया निकल गया तो डेफिनेटली फिल्म ऐसा आंकड़ा पार कर सकती है जो विजय के करियर के हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में शामिल हो सकती है अब देखते हैं यह सभी चीज़ें किस तरह से कैसे कन्फर्म होती है जहाँ पे जो ये फिल्म है उसको थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद नेटफ्लिक्स ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तमिल हिंदी तेलगू कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में रिलीज़ करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है तमिल वाला वो सन टी के ऊपर ओ रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में हिंदी डब वर्जन है वो कोलमाइंस के द्वारा उनके टेलीविजन चैनल के ऊपर आ, लियो नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लियो फिल्म फिलहाल में 19 अक्टूबर 2023 से थिएटर में रिलीज़ होने वाली है जहाँ पे तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा एक बड़े पैमाने पे इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये फिल्म अच्छी खास स्क्रीन के साथ रिलीज़ होगी डेफिनेटली ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले विजय के करियर के अपने खुद के रिकॉर्ड्स टूटेंगे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक लंबा वीकेंड बड़ा वीकेंड लेगी उसके बाद में एक लंबा रन ले सकती है अगर अच्छा कंटेंट निकला तो और ऐसा कुछ रहता है तो जो जिस तरह से विक्रम फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे

तमिल लैंग्वेज के लिए सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा हिंदी डब वर्जन के लिए इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे गोल्ड के टेलीविजन चैनल के ऊपर लियो नाम के साथ ओ रिलीज के कुछ महीनों के बाद तो इस तरह से लियो फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में रिलीज होते हुए देख सकते हो लियो, जो दो हजार की एक पेन इंडिया फिल्म है जिसको तमिल लैंग्वेज में मेनली बनाया गया है वहीं पे इस फिल्म का जो नर एक्शन थ्रिलर तमिल के साथ साथ तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो गोलमाइंस के पास है उनके द्वारा इस फिल्म को डब करवा के साथ ही में थिएटर में रिलीज करवाया जाने वाला है जहाँ पे इस फिल्म को पहले टेंटेटिव टाइटल थलपति सिक्सटी दिया हुआ था इस फिल्म को कर रहे लोकेश कनक जो स्टोरी है वो भी उनकी है उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है लोकेश कनक रत्ना कुमार कुमार और धीराज वैद्य ने मिलकर किया हुआ है स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन लोकेश कनगराज का, का देखने को मिलेगा लोकेश कनगराज ने इससे पहले इस लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में दो फिल्में बनाई हुई है एक तो एक केदी जिसको 25 अक्टूबर 2019 को उनके द्वारा रिलीज करवाया हुआ था विक्रम फिल्म को उन्होंने रिलीज किया हुआ था तीन जून दो को जहाँ पे केदी फिल्म में लीड रोल में आपको कार्ती देखने को मिले होंगे और विक्रम फिल्म के लीड रोल में कमल हसन थे और वो दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बड़ी हिट फिल्म थी केदी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 105 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था विक्रम फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 500 सौ साढ़े चार सौ पाँच सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसके चलते ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है लोकेश लोके सिनेमेटिक यूनिवर्स का इससे पहले लोकेश कनक ने भी मास्टर फिल्म भी बनाई थी इसके अलावा खाना गरम बनाई थी आवियाल तो सभी फिल्में अच्छी तरह का तरह से वर्क कर गई थी अब लियो फिल्म के साथ उनका काम कैसे किया देखने को मिलता है वो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे एस एस ललित कुमार जगदीश पालने स्वामी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 250 से 300 करोड़ में बजट में बनाया हुआ है जहां पे सेवन स्क्रीन प्रो, स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं पे ये हाई बजट फिल्म है जहाँ पे विजय के करियर की भी सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्मों में से एक फिल्म है इसके अलावा इस फिल्म को काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में बेचा गया है एक अच्छी हाइप क्रिएट हुए ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स को भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचा हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स है वो भी काफी भारी रकम में बिके हुए हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो श्री गोकुलम मूवीज़ जिन्होंने इस फिल्म के केरला के लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पंद्रह करोड़ में खरीदे हुए सितारा एंटरटेनमेंट के द्वारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के डिस्ट्रीब्यूट राइट्स खरीदे गए स्वागत एंटरप्राइज के द्वारा कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए फास्ट फिल्म के द्वारा और डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए जहां पे उनके साथ मिडल ईस्ट में वो रिलीज करेंगे इसके अलावा अहिमा एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म के यूके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए फोर सीजन के, 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 दे दे के द्वारा यूरोप के दे दे द्वारा के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदे हुए होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट के द्वारा सिंगापुर के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए मलिक स्ट्रीम्स के द्वारा मलेशिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए साइबर सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए प्री बुकिंग है वो यूके में

रिकवरी है वो इस फिल्म के करीबन चार सौ बाईस करोड़ की बताई जा रही है सैटेलाइट डिजिटल म्यूजिक थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए जहाँ पे दो सौ छियालीस करोड़ का जो राइट्स बेचा हुआ है वो नॉन थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए इतना कलेक्शन आया हुआ है यानी कि डे सेटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक से ही और ओवरसीज के थिएट्रिकल राइट्स है वो भी फास्ट फिल्म में करीबन साहठ करोड़ में खरीदे हुए और ये विजय के करियर की सबसे ज़्यादा राइट्स सबसे ज्यादा प्राइस में बेचने वाली फिल्म बनी हुई है और साथ ही में सबसे बड़ी फिल्म भी है जहाँ पे इस फिल्म के साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी उसके बारे में आगे बात करेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो मनोज परमहंसा ने की हुई है एडिटिंग है वो फिल्म की की हुई फिल्मिन राज ने म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेंगे सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के द्वारा ये सभी चीजें प्रोड्यूस की जा रही है यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र जिन्होंने इससे पहले भी लोकेश कन्नक राज के साथ काफी सारी

करीबन सक्सेस हुई दो में उसके बाद में बताया जा रहा था कि लोकेश राज विजय के साथ एक और स्क्रिप्ट शेयर किए हुए उस स्क्रिप्ट के साथ वो इम्प्रेस है और वो इस फिल्म को करीबन छाछवी फिल्म के तौर पे शायद बना सकते हैं लेकिन उसके बाद में उन्होंने वारिस फिल्म 2023 में बनाई थी उसके बाद में लोकेश कनक राज और विजय के बीच में एक दो सीटिंग और हुई थी फरवरी 2022 में उसके बाद में मार्च महीने में लोकेश कनक राज ने कंफर्म किया था कि वो विजय की सिक्सटी सेवंथ फिल्म डायरेक्ट करने वाले जहां पे प्रोड्यूस एस, एस किया जाएगा और उसके द्वारा को प्रोड्यूसर जो मास्टर को उन्होंने किया हुआ था वो भी जुड़े हुए इसके अलावा विजय ने के मैनेजर यानी कि जगदीश ने को प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के साथ काफी सारी पब्लिक अनाउंसमेंट हुई थी जहां पे तीस जनवरी 2023 को एक कन्फर्म किया गया था कि प्रोजेक्ट आने वाला है जहाँ पे ऑफिशियल टाइटल वो तीन फरवरी 2023 को रिवील किया गया था कि इस फिल्म का टाइटल लियो होने वाला है एक पेन इंडिया फिल्म होने वाली है फिल्म को करीबन 250 से 300 करोड़ में बजट में बनाया जा रहा है जहाँ पे कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि थलपते विजय इस फिल्म के लिए करीबन एक करोड़ जितनी फीस लेने वाले जहाँ पे कुछ रेवेन्यू सीरीजिंग मॉडल के थ्रू भी कुछ चीज़ों को सामने आई थी जहाँ पे वो इस फिल्म के साथ करीबन पचास करोड़ जितनी एडवांस लेंगे उसके बाद में इस फिल्म का क्या कलेक्शन होता है उसके बाद में उसमें वो शेयरिंग लेने वाले तो ऐसी भी कुछ चीज़ें सामने आई हुई थी विजय के द्वारा इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ नहीं करवाने वाले थे वो सिर्फ तमिल ऑडियंस के लिए इस फिल्म को बनाने वाले थे लेटर ऑन फिल्म के डरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनको कन्विंस किया कि हम इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर ले जाएंगे ये फिल्म डेफिनेटली वर्क करेगी तो उन्होंने बाद में ये सभी चीज़ों को एग्री किया उसके बाद में कुछ जो चेंजेस थे इस फिल्म के ओरिजिनल कहानी के साथ जो सभी टाइप की ऑडियंस को यानी कि वाइडर ऑडियंस को कैटर करे इस वजह से कुछ चेंजेस किए गए थे उसके बाद में अगस्त दो में फिल्म के मेकर्स के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि ये लोके सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म के फ्रेंचाइज को किस तरह से कैसे कनेक्ट किया जाएगा क्या अलग कुछ निकाल के आने वाले स्पिन ऑफ के साथ वो सभी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस नहीं हुई है फिल्म को प्री प्रोडक्शन में लोकेश कनेक ने करीबन छः मंथ लिए हुए थे राइटिंग में उसके ऊपर उसके बाद में उनको रत्ना कुमार के द्वारा एक सपोर्ट मिला हुआ था कोर राइटर के तौर पर जहाँ पे, जहां पे... उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से काम किया कास्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जहाँ पे संजय दत्त थे त्रिशा कृष्णन को लिया गया था जहाँ पे त्रिशा कृष्णन काफ़ी लंबे समय के बाद विजय के साथ कास्ट की गई थी इससे पहले उन्होंने गिल्ली तिरुपाची आती और कुरुवी जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था संजय दत्त मेन इंटागोनिस का रोल ऑफर किया गया था जहाँ पे उनकी सेकंड साउथ इंडियन फिल्म थी के जी चैप्टर टू के बाद इसके अलावा विजय की इस फिल्म में करीबन तीस डिफरेंट लूक हुआ फाइनलाइज किए गए जहाँ पे ग्रेस हेयर स्टाइल वाला उनका किरदार इस फिल्म में दिखाया हुआ है उसके अलावा काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं जो इस फिल्म में एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो तो जनवरी 2023 में ई फिल्म सिटी इन चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म के कई लोकेशंस चेंज किए हुए थे जहां पे कश्मीर का भी काफ़ी लंबा शेड्यूल रखा हुआ था जो सेकंड शेड्यूल था वो कश्मीर का ही था जिसको एक फरवरी से यानी कि एक फरवरी में स्टार्ट किया हुआ था दो में उस शेड्यूल को भी काफ़ी लंबा रखा हुआ था कुछ चीज़ें थी वहाँ पर शूट करके आगे फिर से एक री शेड्यूल वहाँ पर सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ चीज़ें शूट किए हुए थे सत्ताईस फरवरी दो

फिल्म इन्जॉय कर सकोगे क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है उन्होंने कुछ बिहाइंड द सीन भी रिवील किए हुए थे कश्मीर शेड्यूल के जहाँ पे काफी सारी चीज़ें सामने आई हुई थी माइनस पाँच से छः डिग्री के अंदर काफ़ी सारी शूटिंग की गई थी इसके अलावा इस फिल्म को दाल लेक हज़रबाद सरेन सोना मार्ग पहलगाम और श्रीनगर जैसे अलग अलग शेड्यूल में शूट किया हुआ था इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल है वो ट्वेंटी मार्च चेन्नई से स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में वहाँ पे भी कुछ विजय दत्ता संजय दत्तोत्रीसा के कुछ सीन शूट किए गए थे अर्जुन प्रिया आनन्द ने भी बाद में सेट ज्वाइन किया हुआ था वो शेड्यूल करीबन सत्रह से बीस दिन का रहा था उसके बाद में एक गाना शूट करवाया गया था चेन्नई में जहाँ पर करीबन पाँच बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे उसके पीछे करीबन सात दिन के अंदर सात दिन की शूटिंग के अंदर सात करोड़ का खर्चा किया हुआ था उसके बाद में हैदराबाद में एक शेड्यूल रखा हुआ था जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में क्लाइमेक्स पोर्शन की शूटिंग वहाँ पे थोड़ी बहुत की गई थी तो इस तरह से विजय ने अपने पोर्शन शूटिंग 10 जुलाई तक कंप्लीट करवाई पूरी फिल्म की शूटिंग 14 जुलाई 2023 तक कंप्लीट करवाई गई थी शूटिंग में रही थी तो एक सौ पच्चीस का लोकेशन का, का, का शूटिंग फिर स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में फरवरी दो में इस फिल्म को ले जाया गया जहां का काम था वो स्टार्ट किया गया था कुछ वर्क था उसमें चेंजेस किए गए थे बाद

ने भारी रकम देते हुए इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा विजय के का मास्टर और बीस्ट के बाद लोकेश के साथ ये फिल्म बनाते हुए नजर आए थे में और इसके अलावा इस फिल्म में अनिरुद्ध रविचंदन ने भी इससे पहले काफी बार इन दोनों के साथ काम किया हुआ था फिल्म में ब्लडी स्वीट करके जो टाइटल के साथ एक, एक, एक प्रमोशनल वीडियो रिलीज किया था वो सॉन्ग है वो हिजनबर्ग के में द्वारा लिखा गया था अनिरुद्ध रविचंदन और सिद्धार्थ बसरो ने उसको गाया हुआ था ना रेडी करके जो गाना था उसको बाईस जून दो को रिलीज uh, करवाया गया था सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा जिसको विष्णु इडवान जिसका रेप था वो असल कोलार ने लिखा हुआ था विजय अनिरुद्ध रविचंद्र असल कोलार के द्वारा गवाया गया था बेडेस गाना है उसको विष्णु इडवान ने लिखा हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया हुआ था जिसको अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो हजार तेईस को रिलीज किया हुआ था फिलहाल में ये सभी चीज़ें रिलीज हुई इतने गाने रिलीज हुए तो अभी फिलहाल में इनको सुनना है तो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म को 19 अक्टूबर 2023 से थिएटर में रिलीज करने वाले जैसे मैंने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बताई है उनके द्वारा इस फिल्म को एक बड़ी रिलीज दिलवाई जाएगी जहां पे यह फिल्म आई और अदर प्रीमियम फॉर्मेट्स में भी रिलीज की जाएगी जहां पे तमिल के अलावा इस फिल्म के डब्ड वर्जन जैसे कि तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को उन्नीस अक्टूबर दो को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का एक अनकट वर्जन है जो थिएट्रिकल रिलीज के साथ यूके में करवाया जाएगा इसके अलावा इंडिया में भी इस फिल्म के अनकट वर्जन को नेटफ्लिक्स पे शायद अपलोड करवाया जा सकता है आने वाले समय में और लियो ऐसी पहली तमिल फिल्म है विजय सॉरी लियो ऐसी पहली विजय की फिल्म है जो आई फॉर्मेट में यूके में रिलीज़ हो रही है जहाँ पे इस फिल्म का जैसे कि मैंने कहा कि प्री रिलीज बिजनेस काफ़ी पड़ा हुआ है जो प्री रिलीज रिकवरी और रिकवरी चार सौ बाईस करोड़ के सेटेलाइट डिजिटल म्यूजिक और थिएट्रिकल राइट्स को मिलाते हुए और इसके राइट्स भी साठ करोड़ में बेचे हुए बेचे हुए वहीं पर नॉन थिएट्रिकल राइट्स दो करोड़ में तो इस फिल्म ने ऑलरेडी काफ़ी सारा प्रॉफिट कर लिया है अब देखने वाली बात है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कहाँ पर जाकर रुकती है फिल्म के जो ओ टी राइट्स है वो नेटफिक्स

के, के, से के, से के, के, के मलयालम सभी वर्जन में रिलीज करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है तमिल वाला वो सन टीवी के ऊपर ओ रिलीज के, के कुछ महीनों के बाद प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में हिंदी डब वर्जन है वो कोलमाइंस के द्वारा उनके टेलीविजन चैनल के ऊपर लियो नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लियो फिल्म फिलहाल में उन्नीस अक्टूबर दो से थिएटर में रिलीज़ होने वाली है जहाँ पर तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा एक बड़े पैमाने पर पे इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये फिल्म अच्छी खासी स्क्रीन के साथ रिलीज होगी डेफिनेटली ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले विजय के करियर के अपने खुद के रिकॉर्ड्स टूटेंगे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक लंबा वीकेंड बड़ा वीकेंड लेगी उसके बाद में एक लंबा रन ले सकती है अगर अच्छा कंटेंट निकला तो और ऐसा कुछ रहता है तो जिस तरह से विक्रम फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे फिल्म

तमिल लैंग्वेज के लिए सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा हिंदी डब वर्जन के लिए इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे गोलमांस के टेलीविजन चैनल के ऊपर लियो नाम के साथ ओटीटी रिलीज के कुछ महीनों के बाद तो इस तरह से लियो फिल्म को ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में रिलीज होते हुए देख सकते हो लियो जो 2023 की एक पेन इंडिया फिल्म है जिसको तमिल लैंग्वेज में मेनली बनाया गया है वहीं पे इस फिल्म का जो नरे एक्शन थ्रिलर तमिल के साथ साथ तेलगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो गोलमाइंस के पास है उनके द्वारा इस फिल्म को डब करवा के साथ ही में थिएटर में रिलीज करवाया जाने वाला है जहाँ पे इस फिल्म को पहले टेंटेटिव टाइटल थलपति सिक्सटी दिया हुआ था इस फिल्म को कर रहे लोकेश कनक जो स्टोरी है वो भी उनकी है उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है लोकेश कनक रत्ना कुमार और धीराज वैद्य ने मिलकर किया हुआ है स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन लोकेश कनगराज का, का देखने को मिलेगा लोकेश कनगराज ने इससे पहले इस लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स में दो फिल्में बनाई हुई है एक तो एक केदी जिसको 25 अक्टूबर 2019 को उनके द्वारा रिलीज करवाया हुआ था विक्रम फिल्म को उन्होंने रिलीज किया हुआ था तीन जून दो को जहाँ पे केदी फिल्म में लीड रोल में आपको कार्ती देखने को मिले होंगे और विक्रम फिल्म के लीड रोल में कमल हसन थे और वो दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बड़ी हिट फिल्म थी केदी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 105 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था विक्रम फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 500 सौ साढ़े चार सौ पाँच सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसके चलते ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है लोकेश लोके सिनेमेटिक यूनिवर्स का इससे पहले लोकेश कनक ने भी मास्टर फिल्म भी बनाई थी इसके अलावा खाना गरम बनाई थी आवियाल तो सभी फिल्में अच्छी तरह का तरह से वर्क कर गई थी अब लियो फिल्म के साथ उनका काम कैसे किया देखने को मिलता है वो रिलीज के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे एस एस ललित कुमार जगदीश पालने स्वामी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 250 से 300 करोड़ में बजट में बनाया हुआ है जहां पे सेवन स्क्रीन स्टूडियो प्रो, प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं पे ये हाई बजट फिल्म है जहाँ पे विजय के करियर के भी सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्मों में से एक फिल्म है इसके अलावा इस फिल्म को काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में बेचा गया है एक अच्छी हाइप क्रिएट हुई है ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स को भी काफी बड़ी रकम में बेचा हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स है वो भी काफी भारी रकम में बिके हुए हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो श्री गोकुलम मूवीज जिन्होंने इस फिल्म के केरला के लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पंद्रह करोड़ में खरीदे हुए सितारा एंटरटेनमेंट के द्वारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के डिस्ट्रीब्यूट राइट्स खरीदे गए स्वागत एंटरप्राइज के द्वारा कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए फास्ट फिल्म के द्वारा ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए पे उनके साथ मिडल ईस्ट में वो रिलीज करेंगे इसके अलावा एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म के यूके के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए फोर सीजन क्रिएटन के द्वारा यूरोप के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट के द्वारा सिंगापुर के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए मलिक स्ट्रीम्स के द्वारा मलेशिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए साइबर सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए प्री बुकिंग है वो यूके में अहिमसा एंटरटेनमेंट वालों ने सात सेप्ट

बाईस करोड़ की बताई जा रही है सेटेलाइट डिजिटल म्यूजिक थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए जहाँ पे दो करोड़ का जो राइट्स बेचा हुआ है वो नॉन थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए इतना कलेक्शन आया हुआ है यानी कि डे सेटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक से ही और ओवरसीज के थिएट्रिकल राइट्स है वो भी फास्ट फिल्म में करीबन साठ करोड़ में खरीदे हुए और ये विजय के करियर की सबसे ज़्यादा राइट्स सबसे ज़्यादा प्राइस में बेचने वाली फिल्म बनी हुई है और साथ ही में सबसे बड़ी फिल्म भी है जहाँ पे इस फिल्म के साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी उसके बारे में आगे बात करेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है वो मनोज परमहंसा ने की हुई है एडिटिंग है वो फिल्म की की हुई फिल्मिन राज ने म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेंगे सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के द्वारा ये सभी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र जिन्होंने इससे पहले भी लोकेश कनक राज के साथ काफ़ी सारी फिल्मों काम किया हुआ है इस फिल्म में भी वो उसके सा, उनके साथ करोड़ में खरीदे हुए कास्ट के करें। तो थलपते विजय लियो दास के रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिटा कृष्णन को कास्ट किया हुआ है संजय दत्त एंटनी दास के रोल में देखने को मिलेंगे अर्जुन ने इस फिल्म में हररोल्ड दास का रोल प्ले किया हुआ है गौतम वासुदेव मेनन मंसूर अली खान मिसकिन मैथ्यूज थोमन प्रिया आनंद मेसेंडी मास्टर बाबू एंटनी मनोबाला जियज मारियम अभिरामी वेंकटाचलम जाफर सिद्दीकी आयाल वसंती माया कृष्णन शांति माया देवी डेंजल स्मिथ मरोना सेब अनुराग कश्यप माँ रामाकृष्णन किरण राठौर और सचिन मनी जैसे कहीं सारे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे इनके क्या किरदार है वो आने वाले समय में रिवील किए जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे डेवलपमेंट की शुरुआत मास्टर फिल्म के बाद हुई थी वो फिल्म करीबन सक्सेस हुई 2021 में उसके बाद में बताया जा रहा था लोकेश राज विजय के साथ एक और स्क्रिप्ट शेयर किए हुए उस स्क्रिप्ट के साथ वो इंप्रेस है और वो इस फिल्म को करीबन छा छठवी फिल्म के तौर पर शायद बना सकते हैं लेकिन उसके बाद में उन्होंने वारिस फिल्म 2023 में बनाई थी उसके बाद में लोकेश्वर कनकराज और विजय के बीच में एक दो सीटिंग और हुई थी फरवरी 2022 में उसके बाद में मार्च महीने में लोकेश्वर कनक राज ने कंफर्म किया था कि वो विजय की सिक्सटी सेवंथ फिल्म डायरेक्ट करने वाले जहां पे एस, एस प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके द्वारा को प्रोड्यूसर जो मास्टर को उन्होंने किया हुआ था वो भी जुड़े हुए इसके अलावा विजय ने के मैनेजर यानी कि जगदीश ने को प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के साथ काफी सारी पब्लिक अनाउंसमेंट हुई थी जहां पे तीस जनवरी 2023 को एक कन्फर्म किया गया था कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है जहाँ पे ऑफिशियल टाइटल वो तीन फरवरी 2023 को रिवील किया गया था कि इस फिल्म का टाइटल लियो होने वाला है एक पेन इंडिया फिल्म होने वाली है फिल्म को करीबन 250 से 300 करोड़ में बजट में बनाया जा रहा है जहाँ पे कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि थलपते विजय इस फिल्म के लिए करीबन एक करोड़ जितनी फीस लेने वाले जहाँ पे कुछ रेवेन्यू सीरीजिंग मॉडल के थ्रू भी कुछ चीज़ों के सामने आई थी जहाँ पे वो इस फिल्म के साथ करीबन पचास करोड़ जितनी एडवांस लेंगे उसके बाद में इस फिल्म का क्या कलेक्शन होता है उसके बाद में उसमें वो शेयरिंग लेने वाले तो ऐसी भी कुछ चीज़ें सामने आई हुई थी विजय के द्वारा इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ नहीं करवाने वाले थे वो सिर्फ तमिल ऑडियंस के लिए इस फिल्म को बनाने वाले थे लेटर ऑन फिल्म के डरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनको कन्विंस किया कि हम इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर ले जाएंगे ये फिल्म डेफिनेटली वर्क करेगी तो उन्होंने बाद में ये सभी चीज़ों को एग्री किया उसके बाद में कुछ जो चेंजेस थे इस फिल्म के ओरिजिनल कहानी के साथ जो सभी टाइप की ऑडियंस को यानी कि वाइडर ऑडियंस को कैटर करे इस वजह से कुछ चेंजेस किए गए थे उसके बाद में अगस्त दो में फिल्म के मेकर्स के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि ये लोके सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म के फ्रेंचाइज को किस तरह से कैसे कनेक्ट किया जाएगा क्या अलग कुछ निकाल के आने वाले स्पिन ऑफ के साथ वो सभी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस नहीं हुई है फिल्म को प्री प्रोडक्शन में लोकेश कनेक ने करीबन छः मंथ लिए हुए थे राइटिंग में उसके ऊपर उसके बाद में उनको रत्ना कुमार के द्वारा एक सपोर्ट मिला हुआ था को राइटर के तौर पर जहाँ पे, जहां पे... उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से काम किया कास्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जहाँ पे संजय दत्त थे त्रिशा कृष्णन को लिया गया था जहाँ पे त्रिशा कृष्णन काफ़ी लंबे समय के बाद विजय के साथ कास्ट की गई थी इससे पहले उन्होंने गिल्ली तिरुपाची आती और कुरुवी जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था संजय दत्त मेन इंटागोनिस का रोल ऑफर किया गया था जहाँ पे उनकी सेकंड साउथ इंडियन फिल्म थी के जी चैप्टर टू के बाद इसके अलावा विजय की इस फिल्म में करीबन तीस डिफरेंट लुक हुआ फाइनलाइज किए गए जहाँ पे ग्रेस एडियट हेस्टाइल वाला उनका किरदार इस फिल्म में दिखाया हुआ है उसके अलावा काफ़ी सारे एक्टर्स है डायरेक्टर है जो इस फिल्म में एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो तो जनवरी 2023 में ई फिल्म सिटी इन चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म के कई लोकेशंस चेंज किए हुए थे जहां पे कश्मीर का भी काफ़ी लंबा शेड्यूल रखा हुआ था जो सेकंड शेड्यूल था वो कश्मीर का ही था जिसको एक फरवरी से यानी कि एक फरवरी में स्टार्ट किया हुआ था दो में उस शेड्यूल को भी काफ़ी लंबा रखा हुआ था कुछ चीज़ें थी वहाँ पर शूट करके आगे फिर से एक री शेड्यूल वहाँ पर सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ चीज़ें शूट किए हुई थी सत्ताईस फरवरी दो

મે શેડ્યુલ કો ફિર સે રીજોઈન કિયા થા એક્શન સિક્વન્સ કरीबन 10 કરોડ કે અંદર ઉનહોને શૂટ કિયા થા એક એકશન સિક્વન્સ કો ઇસકે અલા વિજય કી જો ફાઈટ સિક્વન્સ હે ઉસકો ભી અલગ અલગ લેંગ્વેજ અલગ અલગ લેવલ પે સેટ કિયા ہوا થા જહાંપે એક એક્શન ફાઈટ સીન્સ કો ઉનહોને -20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર મે શૂટ કિયા ہوا થા વો ભી શટલેસ સીન થા તો વો અપને આપ મે badi baat hai to kaafi sare aise is film mein jo mahol dekhne ko milenge kuch aise scenes dekhne ko milenge jiske piche unhon ne kaafi mehnat ki hui hai aur ye sabhi cheeze aapko definitely फिल्म इन्जॉय कर सकोगे क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कुछ बिहाइंड द सीन भी रिवील किए हुए थे कश्मीर शेड्यूल के जहाँ पे काफी सारी चीज़ें सामने आई हुई थी माइनस पाँच से छः डिग्री के अंदर काफ़ी सारी शूटिंग की गई थी इसके अलावा इस फिल्म को दाल लेक हज़रबाद सोनामार्ग पहलगाम और श्रीनगर जैसे अलग अलग शेड्यूल में शूट किया हुआ था इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल है वो ऊन मार्च चेन्नई से स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में वहाँ पे भी कुछ विजय दत्ता संजय दत्तोत्री सा के कुछ सीन शूट किए गए थे अर्जुन प्रिया आनंद ने भी बाद में सेट ज्वाइन किया हुआ था वो शेड्यूल करीबन सत्रह से बीस दिन का रहा था उसके बाद में एक गाना शूट करवाया गया था चेन्नई में जहाँ पर करीबन पाँच बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे उसके पीछे करीबन सात दिन के अंदर सात दिन की शूटिंग के अंदर सात करोड़ का खर्चा किया हुआ था उसके बाद में हैदराबाद में एक शेड्यूल रखा हुआ था जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में क्लाइमेक्स पोर्शन की शूटिंग वहाँ पे थोड़ी बहुत की गई थी तो इस तरह से विजय ने अपने पोर्शन शूटिंग 10 जुलाई तक कंप्लीट करवाई पूरी फिल्म की शूटिंग 14 जुलाई 2023 तक कंप्लीट करवाई गई थी शूटिंग में रही थी तो एक हुआ तो का, का उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में फरवरी दो में इस फिल्म को ले जाया गया जहां पे एक एक्सटेंडेड पोस्ट प्रोडक्शन काम था वो स्टार्ट किया गया था कुछ वर्क था उसमें चेंजेस किए गए थे बाद में

ने भारी रकम देते हुए इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा विजय के काकती मास्टर और बीस्ट के बाद लोकेश के साथ ये चौथी फिल्म बनाते हुए नजर आए थे में और इसके अलावा इस फिल्म में अनिरुद्ध रविचंदन ने भी इससे पहले काफ़ी बार इन दोनों के साथ काम किया हुआ था फिल्म में ब्लडी स्वीट करके जो टाइटल के साथ एक एक, एक प्रमोशनल वीडियो रिलीज किया था वो सॉन्ग है वो हिजनबर्ग के में द्वारा लिखा गया था अनिरुद्ध रविचंदन और सिद्धार्थ बसरु ने उसको गाया हुआ था ना रेडी करके जो गाना था उसको बाईस जून दो को रिलीज uh, करवाया गया था सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा जिसको विष्णु इडवान जिसका रेप था वो असल कोलार ने लिखा हुआ था विजय अनिरुद्ध रविचंद्र असल कोलार के द्वारा गवाया गया था बेडेस गाना है उसको विष्णु इडवान ने लिखा हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया हुआ था जिसको अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो हजार तेईस को रिलीज़ किया हुआ था फिलहाल में ये सभी चीज़ें रिलीज हुई इतने गाने रिलीज हुए तो अभी फिलहाल में इनको सुनना है तो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म को 19 अक्टूबर 2023 से थिएटर में रिलीज़ करने वाले जैसे मैंने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बताई है उनके द्वारा इस फिल्म को एक बड़ी रिलीज दिलवाई जाएगी जहाँ पे ये फिल्म आई और अदर प्रीमियम फॉर्मेट्स में भी रिलीज़ की जाएगी जहाँ पे तमिल के अलावा इस फिल्म के डब्ब वर्जन जैसे कि तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को उन्नीस अक्टूबर दो को रिलीज़ करवाया जाएगा फिल्म का एक अनकट वर्जन है जो थिएट्रिकल रिलीज के साथ यूके में करवाया जाएगा इसके अलावा इंडिया में भी इस फिल्म के अनकट वर्जन नेटफ्लिक्स पे शायद अपलोड करवाया जा सकता है आने वाले समय में और लियो ऐसी रिलीज हो रही है जो प्री रिलीज रिकवरी चार सौ बाईस करोड़ के सेटेइट डिजिटल म्यूजिक और थिएट्रिकल राइट्स को मिलाते हुए और साठ करोड़ में बेचे हुए वहीं पे नॉन थियट्रिकल राइट दो तो इस फिल्म ने ऑलरेडी काफी सारा प्रॉफिट कर लिया है अब देखने वाली बात है कि फिल्म

डेफिनेटली फिल्म ऐसा आंकड़ा पार कर सकती है जो विजय के करियर के, के सभी चीजें तमिल हिंदी तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में रिलीज करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है तमिल वाला वो सन टीवी के ऊपर ओटीटी रिलीज के कुछ महीनों के बाद प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में हिंदी डब वर्जन है वो कोलमाइंस के द्वारा उनके टेलीविजन चैनल के ऊपर लियो नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लियो फिल्म फिलहाल में उन्नीस अक्टूबर दो से थिएटर में रिलीज़ होने वाली है जहाँ पे तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा एक बड़े पैमाने पर पे इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे तो इसका मतलब ये फिल्म अच्छी खास स्क्रीन के साथ रिलीज़ होगी डेफिनेटली ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले विजय के करियर के अपने खुद के रिकॉर्ड्स टूटेंगे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक लंबा वीकेंड बड़ा वीकेंड लेगी उसके बाद में एक लंबा रन ले सकती है अगर अच्छा कंटेंट निकला तो और ऐसा कुछ रहता है तो जो जिस तरह से विक्रम फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे ये

तमिल लैंग्वेज के लिए सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा हिंदी डब वर्जन के लिए इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे गोल के टेलीविजन चैनल के ऊपर लियो नाम के साथ ओ रिलीज के कुछ महीनों के बाद तो इस तरह से लियो फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में रिलीज होते हुए देख सकते हो लियो जो 2023 की एक पेन इंडिया फिल्म है जिसको तमिल लैंग्वेज में मेनली बनाया गया है वहीं पे इस फिल्म का जो नरे एक्शन थ्रिलर तमिल के साथ साथ तेलगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो गोलमाइंस के पास है उनके द्वारा इस फिल्म को डब करवा के साथ ही में थिएटर में रिलीज करवाया जाने वाला है जहाँ पे इस फिल्म को पहले टेंटेटिव टाइटल थलपति सिक्सटी दिया हुआ था इस फिल्म को कर रहे लोकेश कनक जो स्टोरी है वो भी उनकी है उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है लोकेश कनक रत्ना मारो तिराज वैद्य ने मिलकर किया हुआ है स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन लोकेश कनगराज का, का देखने को मिलेगा रोक् लोकेश कनगराज ने इससे पहले इस लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स में दो फिल्में बनाई हुई है एक तो है केदी जिसको 25 अक्टूबर 2019 को उनके द्वारा रिलीज करवाया हुआ था विक्रम फिल्म को उन्होंने रिलीज किया हुआ था 3 जून 2022 को जहां पे कैदी फिल्म में लीड रोल में आपको कार्ती देखने को मिले होंगे और विक्रम फिल्म के लीड रोल में कमल हसन थे और वो दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बड़ी हिट फिल्म थी केदी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 105 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था विक्रम फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन पाँच सौ साढ़े चार सौ पाँच सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसके चलते ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का इससे पहले लोकेश कनक ने भी मास्टर फिल्म भी बनाई थी इसके अलावा

हाई बजट फिल्म है जहाँ पे विजय के करियर के भी सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्मों में से एक फ़िल्म है इसके अलावा इस फिल्म को काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में बेचा गया है एक अच्छी हाइप क्रिएट हुई है ओ टी टी सटेलाइट राइट्स को भी काफी बड़ी रकम में बेचा हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स है वो भी काफी भारी रकम में बिके हुए हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो श्री गोकुलम मूवीज जिन्होंने इस फिल्म के केरला के लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पंद्रह करोड़ में खरीदे हुए सितारा एंटरटेनमेंट के द्वारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के डिस्ट्रीब्यूट राइट्स खरीदे गए स्वागत एंटरप्राइज के द्वारा कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए फास्ट फिल्म के द्वारा ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए जहां पे उनके साथ मिडल ईस्ट में वो रिलीज करेंगे इसके अलावा एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म के यूके के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए फोर सीजन क्रिएटन के द्वारा यूरोप के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट के द्वारा सिंगापुर के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए मलिक स्ट्रीम्स के द्वारा मलेशिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए साइबर सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए प्री बुकिंग है वो यूके में अहिमसा एंटरटेनमेंट वालों ने सात सेप्टेन 2023 से स्टार्ट करवा दिए वीक बिफोर दो हजार तेईस से करीबन दस दी थी। उसके बाद में जैसी एक अच्छा हाइप क्रिएट हुआ है जहाँ पे प्री रिलीज बिजनेस भी फिल्म का काफी बढ़िया है इन, इंडियन जो ट्रेड सोर्सेस है उनसे अंदाजा लगाया जा रहा है ऐसी पहली तमिल फिल्म बनने वाली है जो प्री रिलीज रिकवरी है वो इस फिल्म की करीब चार सौ बाईस करोड़ की बताई जा रही है सेटेलाइट डिजिटल म्यूजिक थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए जहाँ पे दो करोड़ का जो राइट्स बेचा हुआ है वो नॉन थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए इतना कलेक्शन आया हुआ है यानी कि सेटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक से ही और ओवरसीज़ के थिएट्रिकल राइट्स है वो भी फास्ट फिल्म में करीबन साहठ करोड़ में खरीदे हुए और ये विजय के करियर की सबसे ज़्यादा राइट्स सबसे ज़्यादा प्राइस में बेचने वाली फिल्म बनी हुई है और साथ ही में सबसे बड़ी फिल्म भी है जहाँ पर इस फिल्म के साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी उसके बारे में आके बात करेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें सिनेमाटोग्राफी है वो मनोज परमहंसा ने की हुई है एडिटिंग है वो फिल्म की की हुई फिल्म इन राज ने म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेंगे सेवन स्क्रीन स्टूडियो के द्वारा ये सभी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र जिन्होंने इससे पहले भी लोकेश कनक के साथ काफ़ी सारी

हरोल्ड हर दास का रोल प्ले क्या हुआ है गौतम वासुदेव मेनन मंसूर अली खान मिसकिन मैथ्यूज थोमन प्रिया आनंद मैसेंडी मास्टर बाबू एंटनी मनोबाला जियोज मारियम अभिरामी वेंकटाचलम जाफर सिद्दीकी आयाल वसंती माया कृष्णन शांति माया देवी डेंजल स्मिथ मरोना सेबसियन अनुराग कश्यप माँ रामाकृष्णन किरण राठौर और सचिन मनी जैसे कई सारे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नज़र आएंगे इनके क्या किरदार है वो आने वाले समय में रिवील किए जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत मास्टर फिल्म के बाद हुई थी वो फिल्म करीबन सक्सेस हुई दो में उसके बाद में बताया जा रहा था लोकेश राज विजय के साथ एक और स्क्रिप्ट शेयर किए हुए उस स्क्रिप्ट के साथ वो इम्प्रेस है और वो इस फिल्म को करीबन छा फिल्म के तौर पर शायद बना सकते हैं लेकिन उसके बाद में उन्होंने वारिस फिल्म 2023 में बनाई थी उसके बाद में लोकेश्वर कनक राज और विजय के बीच में एक दो सीटिंग और हुई थी फरवरी 2022 में उसके बाद में मार्च महीने में लोकेश्वर कनक राज ने कंफर्म किया था कि वो विजय की सिक्सटी सेवंथ फिल्म डायरेक्ट करने वाले जहां पे प्रोजेक्ट को टेंटेटिव टाइटल दिया होता था थलपट्टी सिक्सटी सेवन प्रोजेक्ट है वो एस एस ललित कुमार के द्वारा यानी कि सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके द्वारा को प्रोड्यूस जो मास्टर को उन्होंने किया हुआ था वो भी जुड़े हुए हैं इसके अलावा विजय ने के मैनेजर यानी कि जगदीश ने को प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी पब्लिक अनाउंसमेंट हुई थी जहां पे तीस जनवरी 2023 को एक कन्फर्म किया गया था कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है जहाँ पे ऑफिशियल टाइटल वो तीन फरवरी 2023 को रिवील किया गया था कि इस फिल्म का टाइटल लियो होने वाला है एक पेन इंडिया फिल्म होने वाली है फिल्म को करीबन 250 से 300 करोड़ में बजट में बनाया जा रहा है जहाँ पे कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि थलपते विजय इस फिल्म के लिए करीबन एक करोड़ जितनी फीस लेने वाले जहाँ पे कुछ रेवेन्यू सीरीजिंग मॉडल के थ्रू भी कुछ चीज़ों को सामने आई थी जहाँ पे वो इस फिल्म के साथ करीबन पचास करोड़ जितनी एडवांस लेंगे उसके बाद में इस फिल्म का क्या कलेक्शन होता है उसके बाद में उसमें वो शेयरिंग लेने वाले तो ऐसी भी कुछ चीज़ें सामने आई हुई थी विजय के द्वारा इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ नहीं करवाने वाले थे वो सिर्फ तमिल ऑडियंस के लिए इस फिल्म को बनाने वाले थे लेटर ऑन फिल्म के डरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनको कन्विंस किया कि हम इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर ले जाएंगे ये फिल्म डेफिनेटली वर्क करेगी तो उन्होंने बाद में ये सभी चीज़ों को एग्री किया उसके बाद में कुछ जो चेंजेस थे इस फिल्म के ओरिजिनल कहानी के साथ जो सभी टाइप की ऑडियंस को यानी कि वाइडर ऑडियंस को कैटर करे इस वजह से कुछ चेंजेस किए गए थे उसके बाद में अगस्त दो में फिल्म के मेकर्स के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि ये लोके सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म के फ्रेंचाइज को किस तरह से कैसे कनेक्ट किया जाएगा क्या अलग कुछ निकाल के आने वाले स्पिन ऑफ के साथ वो सभी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस नहीं हुई है फिल्म को प्री प्रोडक्शन में लोकेश कनक ने करीबन छः मंथ लिए हुए थे राइटिंग मैन उसके ऊपर उसके बाद में उनको रत्ना कुमार के द्वारा एक सपोर्ट मिला हुआ था कोर राइटर के तौर पर जहाँ पे, जहां पे... उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से काम किया कास्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जहाँ पे संजय दत्त थे त्रिशा कृष्णन को लिया गया था जहाँ पे त्रिशा कृष्णन काफ़ी लंबे समय के बाद विजय के साथ कास्ट की गई थी इससे पहले उन्होंने गिल्ली तिरुपाची आती और कुरुवी जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था संजय दत्त मेन इंटागोनिस का रोल ऑफर किया गया था जहाँ पे उनकी सेकंड साउथ इंडियन फिल्म थी के जी चैप्टर टू के बाद इसके अलावा विजय की इस फिल्म में करीबन तीस डिफरेंट लूक फाइनलाइज किए गए जहाँ पे ग्रेस एडिट हेस्टाइल वाला उनका किरदार इस फिल्म में दिखाया हुआ है उसके अलावा काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं जो इस फिल्म में एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो तो जनवरी 2023 में ईवीपी फिल्म सिटी इन चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म के कई लोकेशंस चेंज किए हुए थे जहां पे कश्मीर का भी काफ़ी लंबा शेड्यूल रखा हुआ था जो सेकंड शेड्यूल था वो कश्मीर का ही था जिसको एक फरवरी से यानी कि एक फरवरी में स्टार्ट किया हुआ था दो में उस शेड्यूल को भी काफ़ी लंबा रखा हुआ था कुछ चीज़ें थी वहाँ पर शूट करके आगे फिर से एक री शेड्यूल वहाँ पर सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ चीज़ें शूट किए हुई थी सत्ताईस फरवरी दो

મે શેડ્યુલ કો ફિર સે રીજોઈન કિયા થા એકશન સિક્વન્સ કरीबन 10 કરોડ કે અંદર ઉનહોને શૂટ કિયા થા એક એકશન સિક્વન્સ કો ઇસકે અલા વિજય કી જો ફાઈટ સિક્વન્સ હે ઉસકો ભી અલગ અલગ લેંગ્વેજ અલગ અલગ લેવલ પે સેટ કિયા ہوا થા જહાંપે એક એકશન ફાઈટ સીન્સ કો ઉનહોને -20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર મે શૂટ કિયા ہوا થા વો ભી શટલેસ સીન થા તો વો અપને આપ મે badi baat hai to kaafi sare aise is film mein jo mahol dekhne ko milenge kuch aise scenes dekhne ko milenge jiske piche unhon ne kaafi mehnat ki hui hai aur ye sabhi cheeze aapko फिल्म में इन्जॉय कर सकोगे क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है उन्होंने कुछ बिहाइंड द सीन भी रिवील किए हुए थे कश्मीर शेड्यूल के जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हुई थी माइनस पाँच से छः डिग्री के अंदर काफ़ी सारी शूटिंग की गई थी इसके अलावा इस फिल्म को दाल लेक हज़रबाद सरेन सोनामार्ग पहलगाम और श्रीनगर जैसे अलग अलग शेड्यूल में शूट किया हुआ था इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल है वो ट्वेंटी मार्च चेन्नई से स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में वहाँ पे भी कुछ विजय दत्ता संजय दत्त तो उ के कुछ सीन शूट किए गए थे अर्जुन प्रिया आनन्द ने भी बाद में सेट ज्वाइन किया हुआ था वो शेड्यूल करीबन सत्रह से बीस दिन का रहा था उसके बाद में एक गाना शूट करवाया गया था चेन्नई में जहाँ पे करीबन पाँच बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे उसके पीछे करीबन सात दिन के अंदर सात दिन की शूटिंग के अंदर सात करोड़ का खर्चा किया हुआ था उसके बाद में हैदराबाद में एक शेड्यूल रखा हुआ था जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में क्लाइमेक्स पोर्शन की शूटिंग वहाँ पे थोड़ी बहुत की गई थी तो इस तरह से विजय ने अपने पोर्शन की शूटिंग 10 जुलाई तक कंप्लीट करवाई पूरी फिल्म की शूटिंग 14 जुलाई 2023 तक कंप्लीट करवाई गई थी जहां पे फिल्म 125 दिन जितनी शूटिंग में रही थी तो 125 दिन की शूटिंग के बाद फिल्म को रेपअप लेकिन उसके एक महीने के बाद फिल्म का कश्मीर का का एक वर्क लोकेशन का शूटिंग फिर स्टार्ट किया हुआ तो उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में फरवरी दो में इस फिल्म को ले जाया गया जहां पे एक एक्सटेंडेड पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो स्टार्ट किया गया था कुछ वर्क था उसमें चेंजेस किए गए थे बाद

जितनी भारी रकम देते हुए इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा विजय के का मास्टर और बीस्ट के बाद लोकेश के साथ ये चौथी फिल्म बनाते हुए नजर आए थे और इसके अलावा इस फिल्म में अनिरुद्ध रविचंदन ने भी इससे पहले काफी बार इन दोनों के साथ काम किया हुआ था फिल्म में ब्लडी स्वीट करके जो टाइटल के साथ एक प्रमोशनल एक, एक, एक वीडियो रिलीज किया था वो सॉन्ग है वो हिजन के में द्वारा लिखा गया था अनिरुद्ध रविचंदन और सिद्धार्थ बसरु ने उसको गाया हुआ था ना रेडी करके जो गाना था उसको बाईस जून दो को रिलीज करवाया गया था सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा जिसको विष्णु इडवान जिसका रेप था वो असल कोलार ने लिखा हुआ था विजय अनिरुद्ध रविचंद्र असल कोलार के द्वारा गवाया गया था बेडेस गाना है उसको विष्णु इडवान ने लिखा हुआ था अनुरुद्ध रविचंद्र ने गाया हुआ था जिसको अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस को रिलीज़ किया हुआ था फिलहाल में ये सभी चीज़ें रिलीज हुई इतने गाने रिलीज हुए तो अभी फिलहाल में इनको सुनना है तो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म को 19 अक्टूबर 2023 से थिएटर में रिलीज करने वाले जैसे मैंने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बताई है उनके द्वारा इस फिल्म को एक बड़ी रिलीज दिलवाई जाएगी जहां पे यह फिल्म आई और अदर प्रीमियम फॉर्मेट्स में भी रिलीज की जाएगी जहां पे तमिल के अलावा इस फिल्म के डब्ड वर्जन जैसे कि तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को उन्नीस अक्टूबर दो को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का एक अनकट वर्जन है जो थिएट्रिकल रिलीज के साथ यूके में करवाया जाएगा इसके अलावा इंडिया में भी इस फिल्म के अनकट वर्जन को नेटफ्लिक्स पर शायद अपलोड करवाया जा सकता है आने वाले समय में और लियो ऐसी में में रिलीज हो रही है, है। रिकवरी और, 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 और बाईस करोड़ के सेटेलाइट डिजिटल म्यूजिक और थिएट्रिकल राइट्स को मिलाते हुए और इसके राइट्स भी साठ करोड़ में बेचे हुए वहीं पर नॉन थिएट्रिकल राइट दो सौ छियालीस करोड़ में इस फिल्म ने ऑलरेडी काफी सारा प्रॉफिट कर लिया है अब देखने वाली बात है कि फिल्म

डेफिनेटली फिल्म ऐसा आंकड़ा पार कर सकती है जो विजय के करियर के हाइएस्टिंग फिल्मों में शामिल हो सकती हैलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में रिलीज करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है तमिल वाला वो सन टीवी के ऊपर ओ टी रिलीज के कुछ महीनों के बाद प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में हिंदी डब वर्जन है वो कोलमाइंस के द्वारा उनके टेलीविजन चैनल के ऊपर लियो नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लियो फिल्म फिलहाल में उन्नीस अक्टूबर दो से थिएटर में रिलीज़ होने वाली है जहाँ पे तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा एक बड़े पैमाने पर पे इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये फिल्म अच्छी खासी स्क्रीन के साथ रिलीज़ होगी डेफिनेटली ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले विजय के करियर के अपने खुद के रिकॉर्ड्स टूटेंगे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक लंबा वीकेंड बड़ा वीकेंड लेगी उसके बाद में एक लंबा रन ले सकती है अगर अच्छा कंटेंट निकला तो और ऐसा कुछ रहता है तो जो जिस तरह से विक्रम फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे

तमिल लैंग्वेज के लिए सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा हिंदी डब वर्जन के लिए इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे गोल के टेलीविजन चैनल के ऊपर लियो नाम के साथ ओ रिलीज के कुछ महीनों के बाद तो इस तरह से लियो फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में रिलीज होते हुए देख सकते हो लियो जो 2023 की एक पेन इंडिया फिल्म है जिसको तमिल लैंग्वेज में मेनली बनाया गया है वहीं पे इस फिल्म का जो नरे एक्शन थ्रिलर तमिल के साथ साथ तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो गोलमाइंस के पास है उनके द्वारा इस फिल्म को डब करवा के साथ ही में थिएटर में रिलीज करवाया जाने वाला है जहाँ पे इस फिल्म को पहले टेंटेटिव टाइटल थलपति सिक्सटी दिया हुआ था इस फिल्म को कर रहे लोकेश कनक जो स्टोरी है वो भी उनकी है उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है लोकेश कनक रत्ना और डायरेक्शन लोकेश कनगराज का देखने को मिलेगा लोकेश कनगराज ने इससे पहले इस लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स में दो फिल्में बनाई हुई है एक तो है केदी जिसको पच्चीस अक्टूबर दो को उनके द्वारा रिलीज करवाया हुआ था विक्रम फिल्म को उन्होंने रिलीज किया हुआ था तीन जून दो को जहां पे केदी फिल्म में लीड रोल में आपको कार्ती देखने को मिले होंगे और विक्रम फिल्म के लीड रोल में कमल हसन थे और वो दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बड़ी हिट फिल्म थी केदी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 105 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था विक्रम फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन पाँच सौ साढ़े चार सौ पाँच सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसके चलते ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का इससे पहले लोकेश कनक ने भी मास्टर फिल्म फिल्मी बनाई थी इसके अलावा खाना गरम बनाई थी आवियाल तो सभी फिल्में अच्छी तरह का तरह से वर्क कर गई थी अब लियो फिल्म के साथ उनका काम कैसे क्या देखने को मिलता है वो रिलीज के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे एस एस ललित कुमार जगदीश पालने स्वामी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 250 से 300 करोड़ में बजट में बनाया हुआ है जहां पे सेवन स्क्रीन स्टूडियो प्र, प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं पे ये हाई बजट फिल्म है जहाँ पे विजय के करियर के भी सबसे ज़्यादा बजट वाली फ़िल्मों में से एक फ़िल्म है इसके अलावा इस फिल्म को काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में बेचा गया है एक अच्छी हाइप क्रिएट हुई है ओ टी टी राइट्स को भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचा हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स है वो भी काफी भारी रकम में बिके हुए हैं जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो श्री गोकुलम मूवीज जिन्होंने इस फिल्म के केरला के लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पंद्रह करोड़ में खरीदे हुए सितारा एंटरटेनमेंट के द्वारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के डिस्ट्रीब्यूट राइट्स खरीदे गए स्वागत एंटरप्राइज के द्वारा कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए फास्ट फिल्म के द्वारा ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए जहां पे उनके साथ मिडल ईस्ट में वो रिलीज करेंगे इसके अलावा एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म के UK के 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 यूके डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स राइट्स खरीदे खरीदे हुए हुए फोर सीजन द्वारा यूरोप होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट के द्वारा सिंगापुर के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए मलिक स्ट्रीम्स के द्वारा मलेशिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए साइबर सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए प्री बुकिंग है वो यूके में अहिमसा एंटरटेनमेंट वालों ने सांस से सेप्टेम्बर दो से स्टार्ट करवा दिए छः वीक बिफोर फिल्म के रिलीज के तो काफ़ी पहले ही रिलीज़ करवा दिए जहाँ पर उन्होंने करीबन पहले दिन ही प्री बुकिंग से करीबन दस हज़ार टिकट बेच दी थी उसके बाद में तेईस हज़ार जैसी टिकटें उन्होंने दस दिनों के अंदर यूके से भी बेची हुई थी तो इस तरह से इस फिल्म का एक अच्छा हाइप क्रिएट हुआ है जहाँ पे प्री रिलीज बिजनेस भी फिल्म का काफ़ी बढ़िया है इंडियन जो ट्रेड सोर्सेस है उनसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लियो पेसिस ऐसी पहली तमिल फिल्म बनने वाली है जो प्री रिलीज रिकवरी है वो इस फिल्म की करीबन चार बाईस करोड़ की बताई जा रही है सेटेलाइट डिजिटल म्यूजिक थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए जहाँ पे दो करोड़ का जो राइट्स बेचा हुआ है वो नॉन थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए इतना कलेक्शन आया हुआ है यानी कि डे सेटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक से ही और ओवरसीज के थिएट्रिकल राइट्स है वो भी फास्ट फिल्म में करीबन साहठ करोड़ में खरीदे हुए और ये विजय के करियर की सबसे ज़्यादा राइट्स सबसे ज़्यादा प्राइस में बेचने वाली फिल्म बनी हुई है और साथ ही में सबसे बड़ी फिल्म भी है जहाँ पर इस फिल्म के साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी उसके बारे में आगे बात करेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें सिनेमाटोग्राफी है वो मनोज परमामसा ने की हुई है एडिटिंग है वो फिल्म की की हुई फिल्म इन राज ने म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेंगे सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के द्वारा ये सभी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र जिन्होंने इससे पहले भी लोकेश कनक राज के साथ काफ़ी सारी काम किया हुआ है इस फिल्म में भी वो उसके साथ उनके साथ करीबन चौथा करते हुए नजर आएंगे विजय के साथ और सोनी म्यूजिक म्यूजिक इंडिया वालों ने इस फिल्म के के राइट्स करीबन करोड़ में खरीदे हुए लीड कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो थलपते विजय इस फिल्म में और लियो दास के रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट अपोजिटा कृष्णन को कास्ट किया हुआ है संजय दत्त एंटनी दास के रोल में देखने को मिलेंगे अर्जुन ने इस फिल्म में हरोल्ड हर दास का रोल प्ले क्या हुआ है गौतम वासुदेव मेनन मंसूर अली खान मिसकिन मैथ्यूज थोमन प्रिया आनंद मैसेंडी मास्टर बाबू एंटनी मनोबाला जियोज मारियम अभिरामी वेंकटाचलम जाफर सिद्दीकी आयाल वसंती माया कृष्णन शांति माया देवी डेंजल स्मिथ मरोना सेबसियन अनुराग कश्यप माँ रामाकृष्णन किरण राठौर और सचिन मनी जैसे कई सारे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे इनके क्या किरदार है वो आने वाले समय में रिवील किए जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत मास्टर फिल्म के बाद हुई थी वो फिल्म करीबन सक्सेस हुई दो में उसके बाद में बताया जा रहा था लोकेश राज विजय के साथ एक और स्क्रिप्ट शेयर किए हुए उस स्क्रिप्ट के साथ वो इम्प्रेस है और वो इस फिल्म को करीबन छा फिल्म के तौर पर शायद बना सकते हैं लेकिन उसके बाद में उन्होंने वारिस फिल्म 2023 में बनाई थी उसके बाद में लोकेश्वर कनक और विजय के बीच में एक दो सीटिंग और हुई थी फरवरी 2022 में उसके बाद में मार्च महीने में लोकेश्वर कनक ने कंफर्म किया था कि वो विजय की सिक्सटी फिल्म डायरेक्ट करने वाले जहां पे प्रोजेक्ट को टेंटेटिव टाइटल दिया होता था थलपट्टी सिक्सटी सेवन प्रोजेक्ट है वो एस एस ललित कुमार के द्वारा यानी कि सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके द्वारा को प्रोड्यूस जो मास्टर को उन्होंने किया हुआ था वो भी जुड़े हुए हैं इसके अलावा विजय ने के मैनेजर यानी कि जगदीश ने को प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी पब्लिक अनाउंसमेंट हुई थी जहां पे तीस जनवरी 2023 को एक कन्फर्म किया गया था कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है जहाँ पे ऑफिशियल टाइटल वो तीन फरवरी 2023 को रिवील किया गया था कि इस फिल्म का टाइटल लियो होने वाला है एक पेन इंडिया फिल्म होने वाली है फिल्म को करीबन 250 से 300 करोड़ में बजट में बनाया जा रहा है जहाँ पे कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि थलपते विजय इस फिल्म के लिए करीबन एक करोड़ जितनी फीस लेने वाले जहाँ पे कुछ रेवेन्यू सीरीजिंग मॉडल के थ्रू भी कुछ चीज़ों के सामने आई थी जहाँ पे वो इस फिल्म के साथ करीबन पचास करोड़ जितनी एडवांस लेंगे उसके बाद में इस फिल्म का क्या कलेक्शन होता है उसके बाद में उसमें वो शेयरिंग लेने वाले तो ऐसी भी कुछ चीज़ें सामने आई हुई थी विजय के द्वारा इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ नहीं करवाने वाले थे वो सिर्फ तमिल ऑडियंस के लिए इस फिल्म को बनाने वाले थे लेटर ऑन फिल्म के डरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनको कन्विंस किया कि हम इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर ले जाएंगे ये फिल्म डेफिनेटली वर्क करेगी तो उन्होंने बाद में ये सभी चीज़ों को एग्री किया उसके बाद में कुछ जो चेंजेस थे इस फिल्म के ओरिजिनल कहानी के साथ जो सभी टाइप की ऑडियंस को यानी कि वाइडर ऑडियंस को कैटर करे इस वजह से कुछ चेंजेस किए गए थे उसके बाद में अगस्त दो में फिल्म के मेकर्स के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि ये लोके सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म के फ्रेंचाइज को किस तरह से कैसे कनेक्ट किया जाएगा क्या अलग कुछ निकाल के आने वाले स्पिन ऑफ के साथ वो सभी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस नहीं हुई है फिल्म को प्री प्रोडक्शन में लोकेश कनेक ने करीबन छः मंथ लिए हुए थे राइटिंग में उसके ऊपर उसके बाद में उनको रत्ना कुमार के द्वारा एक सपोर्ट मिला हुआ था कोर राइटर के तौर पर जहाँ पे, जहां पे... उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से काम किया कास्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जहाँ पे संजय दत्त थे त्रिशा कृष्णन को लिया गया था जहाँ पे त्रिशा कृष्णन काफ़ी लंबे समय के बाद विजय के साथ कास्ट की गई थी इससे पहले उन्होंने गिल्ली तिरुपाची आती और कुरुवी जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था संजय दत्त मेन इंटागोनिस का रोल ऑफर किया गया था जहाँ पे उनकी सेकंड साउथ इंडियन फिल्म थी के जी चैप्टर टू के बाद इसके अलावा विजय की इस फिल्म में करीबन तीस डिफरेंट लूक हुआ फाइनलाइज किए गए जहाँ पे ग्रेस एडियाइल वाला उनका किरदार इस फिल्म में दिखाया हुआ है उसके अलावा काफ़ी सारे एक्टर्स है डायरेक्टर है जो इस फिल्म में एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो तो दो जनवरी 2023 में ईवीपी फिल्म सिटी इन चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म के कई लोकेशंस चेंज किए हुए थे जहां पे कश्मीर का भी काफ़ी लंबा शेड्यूल रखा हुआ था जो सेकंड शेड्यूल था वो कश्मीर का ही था जिसको एक फरवरी से यानी कि एक फरवरी में स्टार्ट किया हुआ था दो में उस शेड्यूल को भी काफ़ी लंबा रखा हुआ था कुछ चीज़ें थी वहाँ पर शूट करके आगे फिर से एक री शेड्यूल वहाँ पर सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ चीज़ें शूट किए हुए थे सत्ताईस फरवरी दो

મે શેડ્યુલ કો ફિર સે રીજોઈન કિયા થા એક્શન સિક્વન્સ કરીબન 10 કરોડ કે અંદર ઉનહોને શૂટ કિયા થા એક એકશન સિક્વન્સ કો اسકે અલા વિજય કી જો ફાઈટ સિક્વન્સ હે ઉસકો ભી અલગ અલગ લેંગ્વેજ અલગ અલગ લેવલ પે સેટ કિયા ہوا થા જહા પે એક એક્શન ફાઈટ સીન્સ કો ઉનહોને -20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર મે શૂટ કિયા ہوا થા વો ભી શટલેસ સીન થા તો વો અપને આપ મે badi baat hai to kaafi sare aise is film mein jo mahol dekhne ko milenge kuch aise scenes dekhne ko milenge jiske piche unhon ne kaafi mehnat ki hui hai aur ye sabhi cheeze aapko फिल्म में इन्जॉय कर सकोगे क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कुछ बिहाइंड द सीन भी रिवील किए हुए थे कश्मीर शेड्यूल के जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हुई थी माइनस पाँच से छः डिग्री के अंदर काफ़ी सारी शूटिंग की गई थी इसके अलावा इस फिल्म को दाल लेक हज़रबाद सरेन सोनामार्ग पहलगम और श्रीनगर जैसे अलग अलग शेड्यूल में शूट किया हुआ था इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल है वो ट्वेंटी मार्च चेन्नई से स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में वहाँ पर भी कुछ विजय दत्ता संजय दत्त उ त्रिसा के कुछ सीन शूट किए गए थे अर्जुन प्रिया आनंद ने भी बाद में सेट ज्वाइन किया हुआ था वो शेड्यूल करीबन सत्रह से बीस दिन का रहा था उसके बाद में एक गाना शूट करवाया गया था चेन्नई में जहाँ पर करीबन पाँच बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे उसके पीछे करीबन सात दिन के अंदर सात दिन की शूटिंग के अंदर सात करोड़ का खर्चा किया हुआ था उसके बाद में हैदराबाद में एक शेड्यूल रखा हुआ था जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में क्लाइमेक्स पोर्शन की शूटिंग वहाँ पर थोड़ी बहुत की गई थी तो इस तरह से विजय ने अपने पोर्शन शूटिंग 10 जुलाई तक कंप्लीट करवाई पूरी फिल्म की शूटिंग 14 जुलाई 2023 तक कंप्लीट करवाई गई थी शूटिंग में रही थी तो 125 दिन के के बाद फिल्म को था। लेकिन एक सौ पच्चीस का शूटिंग फिर स्टार्ट किया हुआ तो उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में फरवरी दो में इस फिल्म को ले जाया गया जहां पे एक एक्सटेंडेड पोस्ट प्रोडक्शन काम था वो स्टार्ट किया गया था कुछ वर्क था उसमें चेंजेस किए गए थे बाद

जितनी भारी रकम देते हुए इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा विजय के का कत्ती, मास्टर और बीस्ट के बाद लोकेश के साथ ये चौथी फिल्म बनाते हुए नजर आए थे में और इसके अलावा इस फिल्म में अनिरुद्ध रविचंदन ने भी इससे पहले काफी बार इन दोनों के साथ काम किया हुआ था फिल्म में ब्लडी स्वीट करके जो टाइटल के साथ एक, 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 एक प्रमोशनल वीडियो रिलीज किया था वो सॉन्ग है वो हिजनबर्ग के में द्वारा लिखा गया था अनिरुद्ध रविचंद्र और सिद्धार्थ बसरु ने उसको गाया हुआ था ना रेडी करके जो गाना था उसको बाईस जून दो को रिलीज करवाया गया था सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा जिसको विष्णु इडवान जिसका रेप था वो असल कोलार ने लिखा हुआ था विजय अनिरुद्ध रविचंद्र असल कोलार के द्वारा गवाया गया था बेडेस गाना है उसको विष्णु इडवान ने लिखा हुआ था अनुरुद्ध रविचंद्र ने गाया हुआ था जिसको अट्ठाइस सेप्टेम्बर दो हजार तेईस को रिलीज किया हुआ था फिलहाल में ये सभी चीज़ें रिलीज हुई इतने गाने रिलीज हुए तो अभी फिलहाल में इनको सुनना है तो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म को 19 अक्टूबर 2023 से थिएटर में रिलीज करने वाले जैसे मैंने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बताई है उनके द्वारा इस फिल्म को एक बड़ी रिलीज दिलवाई जाएगी जहां पे यह फिल्म आई और अदर प्रीमियम फॉर्मेट्स में भी रिलीज की जाएगी जहां पे तमिल के अलावा इस फिल्म के डब्ड वर्जन जैसे कि तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को उन्नीस अक्टूबर दो को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का एक अनकट वर्जन है जो थिएट्रिकल रिलीज के साथ यूके में करवाया जाएगा इसके अलावा इंडिया में भी इस फिल्म के अनकट वर्जन को नेटफ्लिक्स पे शायद अपलोड करवाया जा सकता है आने वाले समय में और लियो ऐसी में, में रिलीज हो रही है जहां पर फिल्म का जैसे कि मैंने कहा कि बिजनेस काफी बड़ा हुआ है जो प्री रिलीज रिकवरी चार सौ बाईस करोड़ के सेटेलाइट डिजिटल म्यूजिक और थिएट्रिकल राइट्स को मिलाते हुए और इसके राइट्स भी साठ करोड़ बेचे हुए वहीं पर नॉन थिएट्रिकल राइट दो करोड़ में तो इस फिल्म ने ऑलरेडी काफी सारा प्रॉफिट कर लिया है अब देखने वाली बात है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कहां पे जाके रुकती है फिल्म के जो टी नेटफ्लिक्स के पास है तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी के लिए, से वो के लिए। सन टीवी के पास है। और हिंदी लंबा समय रहेगा उसके बाद रिलीज करवाया जाएगा जहां पे लियो फिल्म जब थिएटर में रिलीज होगी तो पहले तीन दिन तो बम्पर ओपनिंग लगने वाली है अगर फिल्म का कंटेंट बहुत बढ़िया निकल गया तो डेफिनेटली फिल्म ऐसा आंकड़ा पार कर सकती है जो विजय के करियर के हाइएस्टिंग फिल्मों में शामिल हो सकती हैलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में रिलीज करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है तमिल वाला वो सन टीवी के ऊपर ओटीटी रिलीज के कुछ महीनों के बाद प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में हिंदी डब वर्जन है वो कोलमाइंस के द्वारा उनके टेलीविजन चैनल के ऊपर लियो नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लियो फिल्म फिलहाल में उन्नीस अक्टूबर दो से थिएटर में रिलीज़ होने वाली है जहाँ पे तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा एक बड़े पैमाने पर इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये फिल्म अच्छी खास स्क्रीन के साथ रिलीज़ होगी डेफिनेटली ये फिल्म कई सारे रेकॉर्ड्स तोड़ने वाले विजय के करियर के अपने खुद के रिकॉर्ड्स टूटेंगे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक लंबा वीकेंड बड़ा वीकेंड लेगी उसके बाद में एक लंबा रन ले सकती है अगर अच्छा कंटेंट निकला तो और ऐसा कुछ रहता है तो जो जिस तरह से विक्रम फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे

तमिल लैंग्वेज के लिए सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा हिंदी डब वर्जन के लिए इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे गोल के टेलीविजन चैनल के ऊपर लियो नाम के साथ ओ रिलीज के कुछ महीनों के बाद तो इस तरह से लियो फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में रिलीज होते हुए देख सकते हो लियो जो 2023 की एक पेन इंडिया फिल्म है जिसको तमिल लैंग्वेज में मेनली बनाया गया है वहीं पे इस फिल्म का जो नरे एक्शन थ्रिलर तमिल के साथ साथ तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो गोलमाइंस के पास है उनके द्वारा इस फिल्म को डब करवा के साथ ही में थिएटर में रिलीज करवाया जाने वाला है जहाँ पे इस फिल्म को पहले टेंटेटिव टाइटल थलपति सिक्सटी दिया हुआ था इस फिल्म को कर रहे लोकेश कनक जो स्टोरी है वो भी उनकी है उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है लोकेश कनक रत्ना कुमार रोहित तिराज वैद्य ने मिलकर किया हुआ है स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन लोकेश कनगराज का देखने को मिलेगा रोक् लोकेश कनगराज ने इससे पहले इस लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स में दो फिल्में बनाई हुई है एक तो एक केदी जिसको 25 अक्टूबर 2019 को उनके द्वारा रिलीज करवाया हुआ था विक्रम फिल्म को उन्होंने रिलीज किया हुआ था 3 जून 2022 को जहां पे केदी फिल्म में लीड रोल में आपको कार्ती देखने को मिले होंगे और विक्रम फिल्म के लीड रोल में कमल हसन थे और वो दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बड़ी हिट फिल्म थी केदी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 105 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था विक्रम फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 500 सौ साढ़े चार सौ पाँच सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसके चलते ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है लोकेश लोके सिनेमेटिक यूनिवर्स का इससे पहले लोकेश कनक ने भी मास्टर फिल्म भी बनाई थी इसके अलावा खाना गरम बनाई थी आवियाल तो सभी फिल्में अच्छी तरह का तरह से वर्क कर गई थी अब लियो फिल्म के साथ उनका काम कैसे किया देखने को मिलता है वो रिलीज के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे एस एस ललित कुमार जगदीश पालने स्वामी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 250 से 300 करोड़ में बजट में बनाया हुआ है जहां पे सेवन स्क्रीन स्टूडियो प्रो, प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं पे ये हाई बजट फिल्म है जहाँ पे विजय के करियर की भी सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्मों में से एक फिल्म है इसके अलावा इस फिल्म को काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में बेचा गया है एक अच्छी हाइप क्रिएट हुए ओ टी सैटेलाइट राइट्स को भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचा हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स है वो भी काफ़ी भारी रकम में बिके हुए हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो श्री गोकुलम मूवीज़ जिन्होंने इस फिल्म के केरला के लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पंद्रह करोड़ में खरीदे हुए सितारा एंटरटेनमेंट के द्वारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के डिस्ट्रीब्यूट राइट्स खरीदे गए स्वागत एंटरप्राइज के द्वारा कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए फास्ट फिल्म के द्वारा और डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए जहां पे उनके साथ मिडल ईस्ट में वो रिलीज करेंगे इसके अलावा एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म के यूके के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए फोर सीजन क्रिएट के द्वारा यूरोप के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट के द्वारा सिंगापुर के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए मलिक स्ट्रीम्स के द्वारा मलेशिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए साइबर सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए प्री बुकिंग है वो यूके में अहिंसा एंटरटेनमेंट वालों ने सात सेप्टेम्बर दो से स्टार्ट करवा दिए छः वीक बिफोर फिल्म के रिलीज के तो काफ़ी पहले ही रिलीज करवा दिए जहाँ पे उन्होंने करीबन पहले दिन ही प्री बुकिंग से करीबन दस हज़ार टिकट बेच दी थी उसके बाद में तेईस हज़ार जैसी टिकटें उन्होंने दस दिनों के अंदर यूके से भी बेची हुई थी तो इस तरह से इस फिल्म का एक अच्छा हाइप क्रिएट हुआ है जहाँ पे प्री रिलीज बिजनेस भी फिल्म का काफ़ी बढ़िया है इंडियन जो ट्रेड सोर्सेस है उनसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लियो पे ऐसी पहली तमिल फिल्म बनने वाली है जो प्री रिलीज रिकवरी है वो इस फिल्म के करीबन चार सौ बाईस करोड़ की बताई जा रही है सैटेलाइट डिजिटल म्यूजिक थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए जहाँ पे दो सौ छियालीस करोड़ का जो राइट्स बेचा हुआ है वो नॉन थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए इतना कलेक्शन आया हुआ है यानी कि डे सेटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक से ही और ओवरसीज़ के थिएट्रिकल राइट्स है वो भी फास्ट फिल्म में करीबन साठ करोड़ में खरीदे हुए और ये विजय के करियर की सबसे ज़्यादा राइट्स सबसे ज़्यादा प्राइस में बेचने वाली फिल्म बनी हुई है और साथ ही में सबसे बड़ी फिल्म भी है जहाँ पर इस फिल्म के साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी उसके बारे में आगे बात करेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है और मनोज परमामसा ने की हुई है एडिटिंग है वो फिल्म की की हुई फिल्म इन राज ने म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेंगे सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के द्वारा ये सभी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र जिन्होंने इससे पहले भी लोकेश कनक के साथ काफ़ी सारी

करीबन सक्सेस हुई 2021 में उसके बाद में बताया जा रहा था कि लोकेश राज विजय के साथ एक और स्क्रिप्ट शेयर किए हुए उस स्क्रिप्ट के साथ वो इम्प्रेस है और वो इस फिल्म को करीबन छा फिल्म के तौर पर शायद बना सकते हैं लेकिन उसके बाद में उन्होंने वारिस फिल्म 2023 में बनाई थी उसके बाद में लोकेश्वर कनकराज और विजय के बीच में एक दो सीटिंग और हुई थी फरवरी 2022 में उसके बाद में मार्च महीने में लोकेश कनक राज ने कंफर्म किया था कि वो विजय की सिक्सटी सेवंथ फिल्म डायरेक्ट करने वाले जहां पे प्रोजेक्ट को टेंटेटिव टाइटल दिया होता थलपटी सेवन प्रोजेक्ट है वो एस एस ललित कुमार के द्वारा यानी कि सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके द्वारा को प्रोड्यूसर जो मास्टर को उन्होंने किया हुआ था वो भी जुड़े हुए हैं इसके अलावा विजय ने के मैनेजर यानी कि जगदीश ने को प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के साथ काफी सारी पब्लिक अनाउंसमेंट हुई थी जहां पे तीस जनवरी 2023 को एक कन्फर्म किया गया था कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है जहाँ पे ऑफिशियल टाइटल वो तीन फरवरी 2023 को रिवील किया गया था कि इस फिल्म का टाइटल लियो होने वाला है एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है फिल्म को करीबन 250 से 300 करोड़ में बजट में बनाया जा रहा है जहाँ पे कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि थलपते विजय इस फिल्म के लिए करीबन एक करोड़ जितनी फीस लेने वाले जहाँ पे कुछ रेवेन्यू सीरीजिंग मॉडल के थ्रू भी कुछ चीज़ों को सामने आई थी जहाँ पे वो इस फिल्म के साथ करीबन पचास करोड़ जितने एडवांस लेंगे उसके बाद में इस फिल्म का क्या कलेक्शन होता है उसके बाद में उसमें वो शेयरिंग लेने वाले तो ऐसी भी कुछ चीज़ें सामने आई हुई थी विजय के द्वारा इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ नहीं करवाने वाले थे वो सिर्फ तमिल ऑडियंस के लिए इस फिल्म को बनाने वाले थे लेटर ऑन फिल्म के डरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनको कन्विंस किया कि हम इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर ले जाएंगे ये फिल्म डेफिनेटली वर्क करेगी तो उन्होंने बाद में ये सभी चीज़ों को एग्री किया उसके बाद में कुछ जो चेंजेस थे इस फिल्म के ओरिजिनल कहानी के साथ जो सभी टाइप की ऑडियंस को यानी कि वाइडर ऑडियंस को कैटर करे इस वजह से कुछ चेंजेस किए गए थे उसके बाद में अगस्त दो में फिल्म के मेकर्स के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि ये लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म के फ़्रेंचाइज को किस तरह से कैसे कनेक्ट किया जाएगा क्या अलग कुछ निकाल के आने वाले स्पिन ऑफ के साथ वो सभी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस नहीं हुई है फिल्म को प्री प्रोडक्शन में लोकेश कनेक ने करीबन छः मंथ लिए हुए थे राइटिंग में उसके ऊपर उसके बाद में उनको रत्ना कुमार के द्वारा एक सपोर्ट मिला हुआ था को राइटर के तौर पर जहाँ पे, जहां पे उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से काम किया कास्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जहाँ पे संजय दत्त थे त्रिशा कृष्णन को लिया गया था जहाँ पे त्रिशा कृष्णन काफ़ी लंबे समय के बाद विजय के साथ कास्ट की गई थी इससे पहले उन्होंने गिल्ली तिरुपाची आती और कुरुवी जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था संजय दत्त मेन इंटागोनिस का रोल ऑफर किया गया था जहाँ पे उनकी सेकंड साउथ इंडियन फिल्म थी के जी चैप्टर टू के बाद इसके अलावा विजय की इस फिल्म में करीबन तीस डिफरेंट लुक हुआ फाइनलाइज किए गए हैं जहाँ पे ग्रेस एडियाइल वाला उनका किरदार इस फिल्म में दिखाया हुआ है उसके अलावा काफ़ी सारे एक्टर्स है डायरेक्टर है जो इस फिल्म में एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो तो दो जनवरी 2023 में ईवीपी फिल्म सिटी इन चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म के कई लोकेशंस चेंज किए हुए थे जहां पे कश्मीर का भी काफ़ी लंबा शेड्यूल रखा हुआ था जो सेकंड शेड्यूल था वो कश्मीर का ही था जिसको एक फरवरी से यानी कि एक फरवरी में स्टार्ट किया हुआ था दो में उस शेड्यूल को भी काफ़ी लंबा रखा हुआ था कुछ चीज़ें थी वहाँ पर शूट करके आगे फिर से एक री शेड्यूल वहाँ पर सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ चीज़ें शूट किए हुई थी सत्ताईस फरवरी दो

મે શેડ્યુલ કો ફિર સે રીજોઈન કિયા થા એક્શન સિક્વન્સ ગરીબન 10 કરોડ કે અંદર ઉનહોને શૂટ કિયા થા એક એકશન સિક્વન્સ કો ઇસકે અલા વિજય કી જો ફાઈટ સિક્વન્સ હે ઉસકો ભી અલગ અલગ લેંગ્વેજ અલગ અલગ લેવલ પે સેટ કિયા ہوا થા જહા પે એક એક્શન ફાઈટ સીન્સ કો ઉનહોને -20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર મે શૂટ કિયા ہوا થા વો ભી શટલેસ સીન થા તો વો અપને આપ મે badi baat hai to kaafi sare aise is film mein jo mahol dekhne ko milenge kuch aise scenes dekhne ko milenge jiske piche unhon ne kaafi mehnat ki hui hai aur ye sabhi cheeze aapko definitely

उसके बाद में वहाँ पर भी कुछ विजय दत्ता संजय दत्त तो उ त्रिसा के कुछ सीन शूट किए गए थे अर्जुन प्रिया आनंद ने भी बाद में सेट ज्वाइन किया हुआ था वो शेड्यूल करीबन सत्रह से बीस दिन का रहा था उसके बाद में एक गाना शूट करवाया गया था चेन्नई में जहाँ पर करीबन पाँच बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे उसके पीछे करीबन सात दिन के अंदर सात दिन की शूटिंग के अंदर सात करोड़ का खर्चा किया हुआ था उसके बाद में हैदराबाद में एक शेड्यूल रखा हुआ था जहाँ पर रामोजी फिल्म सिटी में क्लाइमेक्स पोर्शन की शूटिंग वहाँ पर थोड़ी बहुत की गई थी तो इस तरह से विजय ने अपने पोर्शन की शूटिंग 10 जुलाई तक कंप्लीट करवाई पूरी फिल्म की शूटिंग 14 जुलाई 2023 तक कंप्लीट करवाई गई थी जहां पे फिल्म 125 दिन जितनी शूटिंग में रही थी तो 125 दिन की शूटिंग के बाद फिल्म को रेपअप करवाया गया था लेकिन उसके एक महीने के बाद फिल्म का कश्मीर का एक वर्क का लोकेशन का शूटिंग फिर से स्टार्ट किया था। उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में फरवरी दो में इस फिल्म को ले जाया गया जहां पे एक एक्सटेंडेड पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो स्टार्ट किया गया था कुछ वर्क था उसमें चेंजेस किए गए थे बाद

भारी रकम देते हुए इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा विजय के मास्टर साथ काम किया हुआ था फिल्म में ब्लडी स्वीट करके जो टाइटल के साथ एक, एक, एक प्रोमोशनल वीडियो रिलीज किया था वो सॉन्ग है वो हिजनबर्ग द्वारा लिखा गया था अनिरुद्ध रविचंद्र और सिद्धार्थ बसरो ने उसको गाया हुआ था नारे

रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म को 19 अक्टूबर 2023 से थिएटर में रिलीज करने वाले जैसे मैंने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बताई है उनके द्वारा इस फिल्म को एक बड़ी रिलीज दिलवाई जाएगी जहां पे यह फिल्म आई और अदर प्रीमियम फॉर्मेट्स में भी रिलीज की जाएगी जहां पे तमिल के अलावा इस फिल्म के डब्ड वर्जन जैसे कि तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को उन्नीस अक्टूबर दो को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का एक अनकट वर्जन है जो थिएट्रिकल रिलीज के साथ यूके में करवाया जाएगा इसके अलावा इंडिया में भी इस फिल्म के अनकट वर्जन को नेटफ्लिक्स पे शायद अपलोड करवाया जा सकता है आने वाले समय में और लियो ऐसी पहली तमिल फिल्म है विजय सॉरी लियो ऐसी पहली विजय की फिल्म है जो आई फॉर्मेट में यूके में रिलीज़ हो रही है जहाँ पर इस फिल्म का जैसे कि मैंने कहा कि प्री रिलीज बिजनेस काफ़ी पड़ा हुआ है जो प्री रिलीज रिकवरी हो चार सौ बाईस करोड़ के सेटेलाइट डिजिटल म्यूजिक और थिएट्रिकल राइट्स को मिलाते हुए और सीज़ के राइट्स भी साठ करोड़ में बेचे हुए बेचे हुए वहीं पर नॉन थिएट्रिकल राइट्स दो करोड़ में तो इस फिल्म ने ऑलरेडी काफ़ी सारा प्रॉफिट कर लिया है अब देखने वाली बात है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कहाँ पर जाकर रुकती है फिल्म के जो ओ टी राइट्स है वो नेटफिक के पास है तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के लिए सन टीवी के, के पास है के बाद इस फिल्म को एक लंबा समय रहेगा उसके बाद रिलीज करवाया जाएगा जहां पे लियो फिल्म जब थिएटर में रिलीज होगी तो पहले तीन दिन तो बंपर ओपनिंग लगने वाली है अगर फिल्म का कंटेंट बहुत बढ़िया निकल गया तो डेफिनेटली फिल्म ऐसा आंकड़ा पार कर सकती है जो विजय के करियर

साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लियो फिल्म फिलहाल में 19 अक्टूबर 2023 से थिएटर में रिलीज़ होने वाली है जहाँ पे तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा एक बड़े पैमाने पे इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये फिल्म अच्छे खासी स्क्रीन के साथ रिलीज़ होगी डेफिनेटली ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले विजय के करियर के अपने खुद के रिकॉर्ड्स टूटेंगे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक लंबा वीकेंड बड़ा वीकेंड लेगी उसके बाद में एक लंबा रन ले सकती है अगर अच्छा कंटेंट निकला तो और ऐसा कुछ रहता है तो जो जिस तरह से विक्रम फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे

तमिल लैंग्वेज के लिए सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा हिंदी डब वर्जन के लिए इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे गोल्ड के टेलीविजन चैनल के ऊपर लियो नाम के साथ ओ रिलीज के कुछ महीनों के बाद तो इस तरह से लियो फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में रिलीज होते हुए देख सकते हो लियो जो 2023 की एक पेन इंडिया फिल्म है जिसको तमिल लैंग्वेज में मेनली बनाया गया है वहीं पे इस फिल्म का जोनर एक्शन थ्रिलर तमिल के साथ साथ तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो गोलमाइंस के पास है उनके द्वारा इस फिल्म को डब करवा के साथ ही में थिएटर में रिलीज करवाया जाने वाला है जहाँ पे इस फिल्म को पहले टेंटेटिव टाइटल थलपति सिक्सटी दिया हुआ था इस फिल्म को कर रहे लोकेश कनक जो स्टोरी है वो भी उनकी है उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है लोकेश कनक रत्ना कुमार रोहित दिराज वैद्य ने मिलकर किया हुआ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन लोकेश कनगराज का, का देखने को मिलेगा रोक् लोकेश कनगराज ने इससे पहले इस लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स में दो फिल्में बनाई हुई है एक तो है केदी जिसको 25 अक्टूबर 2019 को उनके द्वारा रिलीज करवाया हुआ था विक्रम फिल्म को उन्होंने रिलीज किया हुआ था 3 जून 2022 को जहां पे केदी फिल्म में लीड रोल में आपको कार्ती देखने को मिले होंगे और विक्रम फिल्म के लीड रोल में कमल हसन थे और वो दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बड़ी हिट फिल्म थी केदी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 105 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था विक्रम फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 500 सौ साढ़े चार सौ पाँच सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसके चलते ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है लोके लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का इससे पहले लोकेश कनक ने भी मास्टर फिल्म भी बनाई थी इसके अलावा खाना गरम बनाई थी आवियाल तो सभी फिल्में अच्छी तरह का तरह से वर्क कर गई थी अब लियो फिल्म के साथ उनका काम कैसे किया देखने को मिलता है वो रिलीज के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे एस एस ललित कुमार जगदीश पालने स्वामी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 250 से 300 करोड़ में बजट बज़, में बनाया हुआ है जहां पे सेवन स्क्रीन प्रोड़, स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं पे ये हाई बजट फिल्म है जहाँ पे विजय के करियर की भी सबसे ज़्यादा बजट वाली फिल्मों में से एक फिल्म है इसके अलावा इस फिल्म को काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में बेचा गया है एक अच्छी हाइप क्रिएट हुए ओ टी सैटेलाइट राइट्स को भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचा हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स है वो भी काफ़ी भारी रकम में बिके हुए हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो श्री गोकुलम मूवीज़ जिन्होंने इस फिल्म के केरला के लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पंद्रह करोड़ में खरीदे हुए सितारा एंटरटेनमेंट के द्वारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के डिस्ट्रीब्यूट राइट्स खरीदे गए स्वागत एंटरप्राइज के द्वारा कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए फास्ट फिल्म के द्वारा और डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए जहां पे उनके साथ मिडल ईस्ट में वो रिलीज करेंगे इसके अलावा एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म के यूके के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए फोर सीजन के द्वारा यूरोप के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट के द्वारा सिंगापुर के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए मलिक स्ट्रीम्स के द्वारा मलेशिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए साइबर सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए प्री बुकिंग है वो यूके में अहिंसा एंटरटेनमेंट वालों ने सात सेप्टेम्बर दो से स्टार्ट करवा दिए छः वीक बिफोर फिल्म के रिलीज के तो काफ़ी पहले ही रिलीज करवा दिए जहाँ पे उन्होंने करीबन पहले दिन ही प्री बुकिंग से करीबन दस हज़ार टिकट बेच दी थी उसके बाद में तेईस हजार जैसी टिकटें उन्होंने दस दिनों के अंदर यूके से भी बेची हुई थी तो इस तरह से इस फिल्म का एक अच्छा हाइप क्रिएट हुआ है जहाँ पे प्री रिलीज बिजनेस भी फिल्म का काफ़ी बढ़िया है इंडियन जो ट्रेड सोर्सेस है उनसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लियो पे ऐसी पहली तमिल फिल्म बनने वाली है जो प्री रिलीज रिकवरी है वो इस फिल्म के करीबन चार सौ बाईस करोड़ की बताई जा रही है सैटेलाइट डिजिटल म्यूजिक थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए जहाँ पे दो सौ छियालीस करोड़ का जो राइट्स बेचा हुआ है वो नॉन थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए इतना कलेक्शन आया हुआ है यानी कि सेटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक से ही और ओवर के थिएट्रिकल राइट्स है वो भी फास्ट फिल्म में करीबन साठ करोड़ में खरीदे हुए और ये विजय के करियर की सबसे ज़्यादा राइट्स सबसे ज्यादा प्राइस में बीतने वाली फिल्म बनी हुई है और साथ ही में सबसे बड़ी फिल्म भी है जहाँ पे इस फिल्म के साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी उसके बारे में आगे बात करेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें सिनेमेटोग्राफी है वो मनोज परमहंसा ने की हुई है एडिटिंग है वो फिल्म की की हुई फिल्मिन राज ने म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेंगे सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के द्वारा ये सभी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र जिन्होंने इससे पहले भी लोकेश कनक के साथ काफ़ी सारी

मंसूर अली खान मिसकिन मैथ्यूज थमन प्रिया आनंद मेसेंडी मास्टर बाबू एंटनी मनोबाला जियज मारियम अभिरामी वेंकटाचलम जाफर सिद्दीकी आयाल वसंती माया कृष्णन शांति माया देवी डेंजल स्मिथ मरोना सेब अनुराग कश्यप माँ रामाकृष्णन किरण राठौर और सचिन मनी जैसे कई सारे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे इनके क्या किरदार है वो आने वाले समय में रिवील किए जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे डेवलपमेंट की शुरुआत मास्टर फिल्म के बाद हुई थी वो फिल्म करीबन सक्सेस हुई 2021 में उसके बाद में बताया जा रहा था लोकेश राज विजय के साथ एक और स्क्रिप्ट शेयर किए हुए उस स्क्रिप्ट के साथ वो इंप्रेस है और वो इस फिल्म को करीबन छा फिल्म के तौर पर शायद बना सकते लेकिन उसके बाद में उन्होंने वारिस फिल्म 2023 में बनाई थी उसके बाद में लोकेश कनक राज और विजय के बीच में एक दो सीटिंग और हुई थी फरवरी 2022 में उसके बाद में मार्च महीने में लोकेश कनक राज ने कंफर्म किया था कि वो विजय की सिक्सटी सेवंथ फिल्म डायरेक्ट करने वाले जहां पे प्रोजेक्ट को टेंटेटिव टाइटल दिया होता थलपटी सेवन प्रोजेक्ट है वो एस एस ललित कुमार के द्वारा यानी कि सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके द्वारा को प्रोड्यूसर जो मास्टर को उन्होंने किया हुआ था वो भी जुड़े हुए हैं इसके अलावा विजय ने के मैनेजर यानी कि जगदीश ने को प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के साथ काफी सारी पब्लिक अनाउंसमेंट हुई थी जहां पे जनवरी 2023 को एक कन्फर्म किया गया था कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है जहाँ पे ऑफिशियल टाइटल है वो तीन फरवरी 2023 को रिवील किया गया था कि इस फिल्म का टाइटल लियो होने वाला है एक पेन इंडिया फिल्म होने वाली है फिल्म को करीबन 250 से 300 करोड़ में बजट में बनाया जा रहा है जहाँ पे कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि थलपते विजय इस फिल्म के लिए करीबन एक करोड़ जितनी फीस लेने वाले जहाँ पे कुछ रेवेन्यू सीरीजिंग मॉडल के थ्रू भी कुछ चीज़ों को सामने आई थी जहाँ पे वो इस फिल्म के साथ करीबन पचास करोड़ जितनी एडवांस लेंगे उसके बाद में इस फिल्म का क्या कलेक्शन होता है उसके बाद में उसमें वो शेयरिंग लेने वाले तो ऐसी भी कुछ चीज़ें सामने आई हुई थी विजय के द्वारा इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ नहीं करवाने वाले थे वो सिर्फ तमिल ऑडियंस के लिए इस फिल्म को बनाने वाले थे लेटर ऑन फिल्म के डरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनको कन्विंस किया कि हम इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर ले जाएंगे ये फिल्म डेफिनेटली वर्क करेगी तो उन्होंने बाद में ये सभी चीज़ों को एग्री किया उसके बाद में कुछ जो चेंजेस थे इस फिल्म के ओरिजिनल कहानी के साथ जो सभी टाइप की ऑडियंस को यानी कि वाइडर ऑडियंस को कैटर करे इस वजह से कुछ चेंजेस किए गए थे उसके बाद में अगस्त 2023 में फिल्म के मेकर्स के द्वारा कंफर्म किया गया था कि ये लोके सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म के फ्रेंचाइज को किस तरह से कैसे कनेक्ट किया जाएगा क्या अलग कुछ निकाल के आने वाले स्पिन ऑफ के साथ वो सभी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस नहीं हुई है फिल्म को प्री प्रोडक्शन में लोकेश कनगराज ने करीबन छः मंथ लिए हुए थे राइटिंग में उसके ऊपर उसके बाद में उनको रत्ना कुमार के द्वारा एक सपोर्ट मिला हुआ था कोर राइटर के तौर पर जहाँ पे, जहां पे उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से काम किया कास्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जहाँ पे संजय दत्त थे त्रिशा कृष्णन को लिया गया था जहाँ पे त्रिशा कृष्णन काफ़ी लंबे समय के बाद विजय के साथ कास्ट की गई थी इससे पहले उन्होंने गिल्ली तिरुपाची आती और कुरुवी जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था संजय दत्त मेन इंटागोनिस का रोल ऑफर किया गया था जहाँ पे उनकी सेकंड साउथ इंडियन फिल्म थी के जी चैप्टर टू के बाद इसके अलावा विजय की इस फिल्म में करीबन तीस डिफरेंट लूक फाइनलाइज किए गए जहां जहाँ पे ग्रेस एडिट हेयर स्टाइल वाला उनका किरदार इस फिल्म में दिखाया हुआ है उसके अलावा काफ़ी सारे एक्टर्स है डायरेक्टर है जो इस फिल्म में एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो तो दो जनवरी 2023 में ईवीपी फिल्म सिटी इन चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म के कई लोकेशंस चेंज किए हुए थे जहां पे कश्मीर का भी काफ़ी लंबा शेड्यूल रखा हुआ था जो सेकंड शेड्यूल था वो कश्मीर का ही था जिसको एक फरवरी से यानी कि एक फरवरी में स्टार्ट किया हुआ था दो में उस शेड्यूल को भी काफ़ी लंबा रखा हुआ था कुछ चीज़ें थी वहाँ पर शूट करके आगे फिर से एक री शेड्यूल वहाँ पर सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ चीज़ें शूट किए हुई थी सत्ताईस फरवरी दो

મે શેડ્યુલ કો ફિર સે રીજોઈન કિયા થા એકશન સિક્વન્સ ગरीबन 10 કરોડ કે અંદર ઉનહોને શૂટ કિયા થા એક એકશન સિક્વન્સ કો ઇસકે અલા વિજય કી જો ફાઈટ સિક્વન્સ હે ઉસકો ભી અલગ અલગ લેંગ્વેજ અલગ અલગ લેવલ પે સેટ કિયા ہوا થા જહા પે એક એકશન ફાઈટ સીન્સ કો ઉનહોને -20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર મે શૂટ કિયા ہوا થા વો ભી શટલેસ સીન થા તો વો અપને આપ મે badi baat hai to kaafi sare aise is film mein jo mahol dekhne ko milenge kuch aise scenes dekhne ko milenge jiske piche unhon ne kaafi mehnat ki hui hai aur ye sabhi cheeze aapko definitely फिल्म कर सकोगे क्योंकि इस फिल्म के जो से उन्होंने कुछ भी थे के जहां पे काफी सारी चीजें सामने आई हुई थी डिग्री के अंदर काफी सारी की गई थी इसके अलावा इस फिल्म को दाल लेक हज़रबाद पहलगम और श्रीनगर जैसे अलग अलग शेड्यूल में शूट किया हुआ था इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल है वो 29th से स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में वहाँ पर भी कुछ विजय दत्ता संजय दत्त तो उ के कुछ सीन शूट किए गए थे अर्जुन प्रिया आनंद ने भी बाद में सेट ज्वाइन किया हुआ था वो शेड्यूल करीबन सत्रह से बीस दिन का रहा था उसके बाद में एक गाना शूट करवाया गया था चेन्नई में जहाँ पर करीबन पाँच बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे उसके पीछे करीबन सात दिन के अंदर सात दिन की शूटिंग के अंदर सात करोड़ का खर्चा किया हुआ था उसके बाद में हैदराबाद में एक शेड्यूल रखा हुआ था जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में क्लाइमेक्स पोर्शन की शूटिंग वहाँ पे थोड़ी बहुत की गई थी तो इस तरह से विजय ने अपने पोर्शन शूटिंग 10 जुलाई तक कंप्लीट करवाई पूरी फिल्म की शूटिंग 14 जुलाई 2023 तक कंप्लीट करवाई गई थी जहां पे फिल्म करीबन एक सौ पच्चीस दिन जितनी शूटिंग में रही थी तो 125 दिन की शूटिंग के बाद फिल्म को अप करवाया गया था लेकिन उसके एक महीने के बाद फिल्म का कश्मीर का एक वर्क का लोकेशन का शूटिंग फिर से स्टार्ट किया हुआ तो उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में फरवरी दो में इस फिल्म को ले जाया गया जहां पे एक एक्सटेंडेड पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो स्टार्ट किया गया था कुछ वर्क था उसमें चेंजेस किए गए थे बाद

ने भारी रकम देते हुए इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा विजय के काकत्ती मास्टर और बीस्ट के बाद लोकेश के साथ ये चौथी फिल्म बनाते हुए नजर आए थे और इसके अलावा इस फिल्म में अनिरुद्ध रविचंदन ने भी इससे पहले काफी बार इन दोनों के साथ काम किया हुआ था फिल्म में ब्लडी स्वीट करके जो टाइटल के साथ एक एक, प्रोमोशनल वीडियो रिलीज किया था वो सॉन्ग है वो हिजनबर्ग के में द्वारा लिखा गया था अनिरुद्ध रविचंदर और सिद्धार्थ बसरू ने उसको गाया हुआ था ना रेडी

रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म को 19 अक्टूबर 2023 से थिएटर में रिलीज करने वाले जैसे मैंने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बताई है उनके द्वारा इस फिल्म को एक बड़ी रिलीज दिलवाई जाएगी जहाँ पे ये फिल्म आई और अदर प्रीमियम फॉर्मेट्स में भी रिलीज़ की जाएगी जहां पे तमिल के अलावा इस फिल्म के डब्ड वर्जन जैसे कि तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को उन्नीस अक्टूबर दो को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का एक अनकट वर्जन है जो थिएट्रिकल रिलीज के साथ यूके में करवाया जाएगा इसके अलावा इंडिया में भी इस फिल्म के अनकट वर्जन को नेटफ्लिक्स पे शायद अपलोड करवाया जा सकता है आने वाले समय में और लियो ऐसी पहली तमिल फिल्म है विजय सॉरी लियो ऐसी पहली विजय की फिल्म है जो आई फॉर्मेट में यूके में रिलीज़ हो रही है जहाँ पे इस फिल्म का जैसे कि मैंने कहा कि प्री रिलीज बिजनेस काफ़ी पड़ा हुआ है जो प्री रिलीज रिकवरी और रिकवरी और चार सौ बाईस करोड़ के सेटेलाइट डिजिटल म्यूजिक और थिएट्रिकल राइट्स को मिलाते हुए और इसके राइट्स भी साठ करोड़ में बेचे हुए बेचे हुए वहीं पर नॉन थिएट्रिकल राइट्स दो करोड़ में तो इस फिल्म ने ऑलरेडी काफ़ी सारा प्रॉफिट कर लिया है अब देखने वाली बात है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कहाँ पर जाकर रुकती है फिल्म के जो ओ टी टी राइट्स है वो नेटफे के पास है तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के लिए सैटेलाइट सन टीवी के और हिंदी समय, समय रहेगा उसके बाद रिलीज करवाया जाएगा जहां पे लियो फिल्म जब थिएटर में रिलीज होगी तो पहले तीन दिन तो बम ओपनिंग लगने वाली है अगर फिल्म का कंटेंट बहुत बढ़िया निकल गया तो डेफिनेटली फिल्म ऐसा आंकड़ा पार कर सकती है जो विजय के करियर

साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लियो फिल्म फिलहाल में उन्नीस अक्टूबर दो से थिएटर में रिलीज़ होने वाली है जहाँ पे तमिल तेलगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा एक बड़े पैमाने पर पे इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे तो इसका मतलब ये फिल्म अच्छे खास स्क्रीन के साथ रिलीज़ होगी डेफिनेटली ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले विजय के करियर के अपने खुद के रिकॉर्ड्स टूटेंगे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक लंबा वीकेंड बड़ा वीकेंड लेगी उसके बाद में एक लंबा रन ले सकती है अगर अच्छा कंटेंट निकला तो और ऐसा कुछ रहता है तो जो जिस तरह से विक्रम फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे

तमिल लैंग्वेज के लिए सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा हिंदी डब वर्जन के लिए इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे गोल्ड के टेलीविजन चैनल के ऊपर लियो नाम के साथ ओ रिलीज के कुछ महीनों के बाद तो इस तरह से लियो फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में रिलीज होते हुए देख सकते हो लियो जो 2023 की एक पेन इंडिया फिल्म है जिसको तमिल लैंग्वेज में मेनली बनाया गया है वहीं पर इस फिल्म का जो नरे एक्शन थ्रिलर तमिल के साथ साथ तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा हिंदी वर्जन के जो राइट्स है वो गोलमाइंस के पास है उनके द्वारा इस फिल्म को डब करवा के साथ ही में थिएटर में रिलीज करवाया जाने वाला है जहाँ पे इस फिल्म को पहले टेंटेटिव टाइटल थलपति सिक्सटी दिया हुआ था इस फिल्म को कर रहे लोकेश कनक जो स्टोरी है वो भी उनकी है उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है लोकेश कनक रत्ना कुमार रोतिराज वैद्य ने मिलकर किया हुआ है स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन लोकेश कनगराज का, का देखने को मिलेगा रोक् लोकेश कनगराज ने इससे पहले इस लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में दो फिल्में बनाई हुई है एक तो है केदी जिसको 25 अक्टूबर 2019 को उनके द्वारा रिलीज करवाया हुआ था विक्रम फिल्म को उन्होंने रिलीज किया हुआ था 3 जून 2022 को जहां पे कैदी फिल्म में लीड रोल में आपको कार्ती देखने को मिले होंगे और विक्रम फिल्म के लीड रोल में कमल हसन थे और वो दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बड़ी हिट फिल्म थी केदी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 105 करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया था विक्रम फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे करीबन 500 सौ साढ़े चार सौ पाँच सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था जिसके चलते ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट है लोके लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का इससे पहले लोकेश कनक ने भी मास्टर फिल्म भी बनाई थी इसके अलावा पाना गरम बनाई थी आवियाल तो सभी फिल्में अच्छी तरह का तरह से वर्क कर गई थी अब लियो फिल्म के साथ उनका काम कैसे किया देखने को मिलता है वो रिलीज के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे एस एस ललित कुमार जगदीश पालने स्वामी जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 250 से 300 करोड़ में बजट में बनाया हुआ है जहां पे सेवन स्क्रीन प्रो, स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं पे ये हाई बजट फिल्म है जहाँ पे विजय के करियर के भी सबसे ज़्यादा बजट वाली फ़िल्मों में से एक फ़िल्म है इसके अलावा इस फिल्म को काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में बेचा गया है एक अच्छी हाइप क्रिएट हुई है ओ टी टी राइट्स को भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचा हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स है वो भी काफी भारी रकम में बिके हुए हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बातचीत करें तो श्री गोकुलम मूवीज जिन्होंने इस फिल्म के केरला के लिए डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पंद्रह करोड़ में खरीदे हुए सितारा एंटरटेनमेंट के द्वारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के डिस्ट्रीब्यूट राइट्स खरीदे गए स्वागत एंटरप्राइज के द्वारा कर्नाटक के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए फास्ट फिल्म के द्वारा ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए जहां पे उनके साथ मिडल ईस्ट में वो रिलीज करेंगे इसके अलावा अहिमा एंटरटेनमेंट के द्वारा इस फिल्म के यूके के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए फोर सीजन क्रिएटन के द्वारा यूरोप के डिस्ट्रीब्यूशन के, के राइट्स खरीदे हुए होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट के द्वारा सिंगापुर के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए मलिक स्ट्रीम्स के द्वारा मलेशिया के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए साइबर सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स खरीदे हुए प्री बुकिंग है वो यूके में अहिमसा एंटरटेनमेंट वालों ने सात सेप्ट

बाईस करोड़ की बताई जा रही है सेटेलाइट डिजिटल म्यूजिक थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए जहाँ पे दो करोड़ का जो राइट्स बेचा हुआ है वो नॉन थिएट्रिकल राइट्स बेचते हुए इतना कलेक्शन आया हुआ है यानी कि डे सेटेलाइट डिजिटल और म्यूजिक से ही और ओवरसीज के थिएट्रिकल राइट्स से वो भी फास्ट फिल्म ने करीबन साठ करोड़ में खरीदे हुए और ये विजय के करियर की सबसे ज़्यादा राइट्स सबसे ज़्यादा प्राइस में बेचने वाली फिल्म बनी हुई है और साथ ही में सबसे बड़ी फिल्म भी है जहाँ पर इस फिल्म के साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी उसके बारे में आगे बात करेंगे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी है मनोज परमहंसा ने की हुई है एडिटिंग है वो फिल्म की की हुई फिलोमिन राज ने म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग सुनने को मिलेंगे सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के द्वारा ये सभी चीजें प्रोड्यूस की जा रही है यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र जिन्होंने इससे पहले भी लोकेश कनक के साथ काफ़ी सारी फिल्म

अली खान किन मैथ्यू थोमन प्रिया आनंद मेसेंडी मास्टर बाबू एंटनी मनोबाला जियोज मारियम अभिरामी वेंकटाचलम जाफर सिद्दीकी आयल वसंती माया कृष्णन शांति माया देवी डेंजल स्मिथ मरोना सेबसियन अनुराग कश्यप माँ रामाकृष्णन किरण राठौर और सचिन मनी जैसे कहीं सारे बेहतरीन सपोर्टिंग आर्टिस्ट भी इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे इनके क्या किरदार है वो आने वाले समय में रिवील किए जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें डेवलपमेंट की शुरुआत मास्टर फिल्म के बाद हुई थी वो फिल्म करीबन सक्सेस हुई दो में उसके बाद में बताया जा रहा था लोकेश राज विजय के साथ एक और स्क्रिप्ट शेयर किए हुए उस स्क्रिप्ट के साथ वो इम्प्रेस है और वो इस फिल्म को करीबन छा छठवी फिल्म के तौर पर शायद बना सकते हैं लेकिन उसके बाद में उन्होंने वारिस फिल्म 2023 में बनाई थी उसके बाद में लोकेश्वर कनक राज और विजय के बीच में एक दो सीटिंग और हुई थी फरवरी 2022 में उसके बाद में मार्च महीने में लोकेश्वर कनक राज ने कंफर्म किया था कि वो विजय की सिक्सटी सेवंथ फिल्म डायरेक्ट करने वाले जहां पे प्रोजेक्ट को टेंटेटिव टाइटल दिया होता थलपटी सेवन प्रोजेक्ट है वो एस एस ललित कुमार के द्वारा यानी कि सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके द्वारा को प्रोड्यूसर जो मास्टर को उन्होंने किया हुआ था वो भी जुड़े हुए हैं इसके अलावा विजय ने के मैनेजर यानी कि जगदीश ने को प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के साथ काफी सारी पब्लिक अनाउंसमेंट हुई थी जहां पे तीस जनवरी 2023 को एक कन्फर्म किया गया था कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है जहाँ पे ऑफिशियल टाइटल है, वो तीन फरवरी 2023 को रिवील किया गया था कि इस फिल्म का टाइटल लियो होने वाला है एक पेन इंडिया फिल्म होने वाली है फिल्म को करीबन 250 से 300 करोड़ में बजट में बनाया जा रहा है जहाँ पे कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि थलपते विजय इस फिल्म के लिए करीबन एक करोड़ जितनी फीस लेने वाले जहाँ पे कुछ रेवेन्यू सीरीजिंग मॉडल के थ्रू भी कुछ चीज़ों को सामने आई थी जहाँ पे वो इस फिल्म के साथ करीबन पचास करोड़ जितनी एडवांस लेंगे उसके बाद में इस फिल्म का क्या कलेक्शन होता है उसके बाद में उसमें वो शेयरिंग लेने वाले तो ऐसी भी कुछ चीज़ें सामने आई हुई थी विजय के द्वारा इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ नहीं करवाने वाले थे वो सिर्फ तमिल ऑडियंस के लिए इस फिल्म को बनाने वाले थे लेटर ऑन फिल्म के डरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनको कन्विंस किया कि हम इस फिल्म को पेन इंडिया लेवल पर ले जाएंगे ये फिल्म डेफिनेटली वर्क करेगी तो उन्होंने बाद में ये सभी चीज़ों को एग्री किया उसके बाद में कुछ जो चेंजेस थे इस फिल्म के ओरिजिनल कहानी के साथ जो सभी टाइप की ऑडियंस को यानी कि वाइडर ऑडियंस को कैटर करें इस वजह से कुछ चेंजेस किए गए थे उसके बाद में अगस्त 2023 में फिल्म के मेकर्स के द्वारा कंफर्म किया गया था कि ये लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है जहाँ पे इस फिल्म के ए फ्रेंचाइज को किस तरह से कैसे कनेक्ट किया जाएगा क्या अलग कुछ निकाल के आने वाले स्पिन ऑफ के साथ वो सभी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस नहीं हुई है फिल्म को प्री प्रोडक्शन में लोकेश कनेक ने करीबन छः मंथ लिए हुए थे राइटिंग में उसके ऊपर उसके, उसके बाद में उनको रत्ना कुमार के द्वारा एक सपोर्ट मिला हुआ था को राइटर के तौर पर जहाँ पे, जहां पे उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के ऊपर पूरी तरह से काम किया कास्टिंग के ऊपर काम किया हुआ था जहाँ पे संजय दत्त थे त्रिशा कृष्णन को लिया गया था जहाँ पे त्रिशा कृष्णन काफ़ी लंबे समय के बाद विजय के साथ कास्ट की गई थी इससे पहले उन्होंने गिल्ली तिरुपाची आती और कुरुवी जैसी फिल्मों में काम किया हुआ था संजय दत्त मेन इंटागोनिस का रोल ऑफर किया गया था जहाँ पे उनकी सेकंड साउथ इंडियन फिल्म थी के जी एफ चैप्टर टू के बाद इसके अलावा विजय की इस फिल्म में करीबन तीस डिफरेंट लुक हुआ फाइनलाइज किए गए जहां जहाँ पे ग्रेस एडिट स्टाइल वाला उनका किरदार इस फिल्म में दिखाया हुआ है उसके अलावा काफ़ी सारे एक्टर्स है डायरेक्टर है जो इस फिल्म में एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो तो दो जनवरी 2023 में ईवीपी फिल्म सिटी इन चेन्नई में स्टार्ट की हुई थी उसके बाद में इस फिल्म के कई लोकेशंस चेंज किए हुए थे जहां पे कश्मीर का भी काफ़ी लंबा शेड्यूल रखा हुआ था जो सेकंड शेड्यूल था वो कश्मीर का ही था जिसको एक फरवरी से यानी कि एक फरवरी में स्टार्ट किया हुआ था दो में उस शेड्यूल को भी काफ़ी लंबा रखा हुआ था कुछ चीज़ें थी वहाँ पर शूट करके आगे फिर से एक री शेड्यूल वहाँ पर सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ चीज़ें शूट किए हुई थी सत्ताईस फरवरी दो ने कहा था उनके का जो पोर्शन की शूटिंग पूरी तरह से हो चुकी है। इसके बाद में तमिल फिल्म बनी उसके बाद में इस फिल्म में ग्यारह मार्च से संजय दत्त ने अपने की से स्टार्ट की हुई थी जहां पर करीबन छह दिन लंबा एक शेड्यूल रखा गया था इक्कीस मार्च में कुछ माइनर अर्थक्वेक के चलते लोकेशंस को चेंज करना पड़ा था उसके बाद મે શેડ્યુલ કો ફિર સે રીજોઈન કિયા થા એકશન સિક્વન્સ કરીબન 10 કરોડ કે અંદર ઉનહોને શૂટ કિયા થા એક એકશન સિક્વન્સ કો ઇસકે અલા વિજય કી જો ફાઈટ સિક્વન્સ હે ઉસકો ભી અલગ અલગ લેંગ્વેજ અલગ અલગ લેવલ પે સેટ કિયા ہوا થા જહાંપે એક એકશન ફાઈટ સીન્સ કો ઉનહોને -20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર મે શૂટ કિયા ہوا થા વો ભી શટલેસ સીન થા તો વો અપને આપ મે badi baat hai to kaafi sare is film mein jo mahol dekhne ko milenge kuch aise scenes dekhne ko milenge jiske piche unhon ne kaafi mehnat ki hui hai aur ye sabhi cheeze aapko definitely फिल्म इन्जॉय कर सकोगे क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है उन्होंने कुछ बहन द सीन भी रिवील किए हुए थे कश्मीर शेड्यूल के जहाँ पे काफी सारी चीज़ें सामने आई हुई थी माइनस पाँच से छः डिग्री के अंदर काफ़ी सारी शूटिंग की गई थी इसके अलावा इस फिल्म को दाल लेक हज़रबाद सोनामार्ग पहलगम और श्रीनगर जैसे अलग अलग शेड्यूल में शूट किया हुआ था इस फिल्म का तीसरा शेड्यूल है वो ट्वेंटी मार्च चेन्नई से स्टार्ट किया हुआ था उसके बाद में वहाँ पे भी कुछ विजय दत्ता संजय दत्त तो, उ त्रिसा के कुछ सीन शूट किए गए थे अर्जुन प्रिया आनंद ने भी बाद में सेट ज्वाइन किया हुआ था वो शेड्यूल करीबन सन् सत्रह से बीस दिन का रहा था उसके बाद में एक गाना शूट करवाया गया था चेन्नई में जहाँ पर करीबन पाँच बैकग्राउंड आर्टिस्ट थे उसके पीछे करीबन सात दिन के अंदर सात दिन की शूटिंग के अंदर सात करोड़ का खर्चा किया हुआ था उसके बाद में हैदराबाद में एक शेड्यूल रखा हुआ था जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी में क्लाइमेक्स पोर्शन की शूटिंग वहाँ पे थोड़ी बहुत की गई थी तो इस तरह से विजय ने अपने पोर्शन शूटिंग 10 जुलाई तक कंप्लीट करवाई पूरी फिल्म की शूटिंग 14 जुलाई 2023 तक कंप्लीट करवाई गई थी जहां पे फिल्म 125 दिन जितनी शूटिंग में रही थी तो 125 दिन की शूटिंग के बाद फिल्म को अप करवाया गया था लेकिन उसके महीने के बाद फिल्म का कश्मीर का एक वर्क का लोकेशन का शूटिंग फिर से स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद में पूरी तरह से फिल्म को कंप्लीट करवाया पोस्ट प्रोडक्शन में फरवरी दो में इस फिल्म को ले जाया गया जहां पे एक एक्सटेंडेड पोस्ट प्रोडक्शन का काम था वो स्टार्ट किया गया था कुछ वर्क था उसमें चेंजेस किए गए थे बाद

ने भारी रकम देते हुए इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे इसके अलावा विजय के काकती मास्टर और बीस्ट के बाद लोकेश के साथ ये चौथी फिल्म बनाते हुए नजर आए थे और इसके अलावा इस फिल्म में अनिरुद्ध रविचंदन ने भी इससे पहले काफी बार इन दोनों के साथ काम किया हुआ था फिल्म में ब्लडी स्वीट करके जो टाइटल के साथ एक प्रमोशनल एक, एक, एक वीडियो रिलीज किया था वो सॉन्ग है वो हिजनबर्ग के में द्वारा लिखा गया था अनिरुद्ध रविचंद्र और सिद्धार्थ बसरो ने उसको गाया हुआ था ना रेडी करके जो गाना था उसको बाईस जून दो को रिलीज uh, करवाया गया था सोनी म्यूजिक इंडिया के द्वारा जिसको विष्णु इडवान जिसका रेप था वो असल कोलार ने लिखा हुआ था विजय अनिरुद्ध रविचंद्र असल कोलार के द्वारा गवाया गया था बेडेस गाना है उसको विष्णु इडवान ने लिखा हुआ था अनिरुद्ध रविचंद्र ने गाया हुआ था जिसको अट्ठाइस सेप्टेम्बर दो हजार तेईस को रिलीज किया हुआ था फिलहाल में ये सभी चीज़ें रिलीज हुई इतने गाने रिलीज हुए तो अभी फिलहाल में इनको सुनना है तो सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो रिलीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं इस फिल्म को 19 अक्टूबर 2023 से थिएटर में रिलीज करने वाले जैसे मैंने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बताई है उनके द्वारा इस फिल्म को एक बड़ी रिलीज दिलवाई जाएगी जहाँ पे ये फिल्म आई और अदर प्रीमियम फॉर्मेट्स में भी रिलीज़ की जाएगी जहां पे तमिल के अलावा इस फिल्म के डब्ड वर्जन जैसे कि तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म को उन्नीस अक्टूबर दो को रिलीज करवाया जाएगा फिल्म का एक अनकट वर्जन है जो थिएट्रिकल रिलीज के साथ यूके में करवाया जाएगा इसके अलावा इंडिया में भी इस फिल्म के अनकट वर्जन

बॉक्स ऑफिस पे कहाँ पे जाके रुकती है फिल्म के जो ओटी टी राइट है वो नेटफ्लिक्स के पास है तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के लिए सैटेलाइट राइट्स है वो तमिल वर्जन के के लिए सन टीवी के पास है और हिंदी डब वर्जन के लिए गोलमाइन्स के पास है अब देखते हैं कि ये सभी रिलीज के बाद फिल्म को कितने समय के बाद रिलीज़ करवाया जाता है थिएट्रिकल रिलीज के बा... बाद इस फिल्म को डेफिनेटली एक लंबा समय रहेगा कि उसके बाद रिलीज़ करवाया जाएगा जहाँ पे लियो फिल्म जब थिएटर में रिलीज होगी तो पहले तीन दिन तो बम ओपनिंग लगने वाली है अगर फिल्म का कंटेंट बहुत बढ़िया निकल गया तो डेफिनेटली तो फिल्म ऐसा आंकड़ा पार कर सकती है जो विजय के करियर के ग्रोसिंग फिल्मों में शामिल हो सकती है अब देखते हैं कैसे चीज़ें किस तरह से कंफर्म होती है है पे जो ये फिल्म है, उसको थिएट्रिकल रिलीज़ के 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 कुछ महीनों बाद नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म ऊपर तमिल हिंदी तेलगू कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में रिलीज करवाया जाएगा विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है तमिल वाला वो सन टीवी के ऊपर ओटीटी रिलीज के कुछ महीनों के बाद प्रीमियर करवाया जाएगा तमिल लैंग्वेज में बिल्कुल फ्री में हिंदी डब वर्जन है वो कोलमाइंस के द्वारा उनके टेलीविजन चैनल के ऊपर लियो नाम के साथ बिल्कुल फ्री में हिंदी डब में प्रीमियर करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लियो फिल्म फिलहाल में उन्नीस अक्टूबर दो से थिएटर में रिलीज़ होने वाली है जहाँ पे तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा एक बड़े पैमाने पर पे इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे तो इसका मतलब ये फिल्म अच्छे खासी स्क्रीन के साथ रिलीज़ होगी डेफिनेटली ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले विजय के करियर के अपने खुद के रिकॉर्ड्स टूटेंगे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक लंबा वीकेंड बड़ा वीकेंड लेगी उसके बाद में एक लंबा रन ले सकती है अगर अच्छा कंटेंट निकला तो और ऐसा कुछ रहता है तो जो जिस तरह से विक्रम फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे उससे भी आगे जाके रुक सकती है और शायद हो सकता है के करियर की सबसे बड़ी क्रॉसिंग फिल्म फिल्म भी साबित हो सकती है जहां पे इस हाईस्ट ग्रोसिंग सेटेलाइट तमिल वर्जन के लिए वो सन टीवी ने खरीदे हुए हिंदी डब वर्जन के राइट्स गोल्ड माइनस के पास है ओटी टी राइड्स है सभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी डब के लिए नेटफ्लिक्स ने खरीदे हुए इसका मतलब कि आने वाले कुछ महीनों में, में फिल्म नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन तमिल हिंदी तेलुगु कन्नड़ा और मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी इंग्लिश सब्सक्रिप्शन इस फिल्म का इंगाइट वर्जन तमिल लैंग्वेज के लिए सन टीवी टेलीविजन चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा हिंदी डब वर्जन के लिए इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे गोल्ड माइन्स के टेलीविजन चैनल के ऊपर लियो नाम के साथ रिलीज के कुछ महीनों के बाद तो इस तरह से लियो फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले समय में रिलीज होते हुए देख सकते हो तो बस गाय लियो फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन फिल्मिंग बजट के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रोडिक्शन एनालिसिस किया हुआ है कहानी के ऊपर एक प्रोडक्शन दिया हुआ है लोके सिनेमेटिक यूनिवर्स के ऊपर बातचीत की हुई है वहीं पर इस फिल्म से जुड़े सब इंटरेस्टिंग बातें तथ्य वो भी शेयर कर दिए साथ ही में इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर अलग अलग इस के ऊपर भी चर्चा की हुई है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू